चले बेटा शुरू करते हैं। हम जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है जी हमारे पास पाकिस्तान अफेयर, पाकिस्तान हिस्ट्री क्या नहीं से आप, या इंडो पाक हिस्ट्री क्या नहीं, एक ही बात है। पाकिस्तान अफेयर की हेडिंग देने, पाकिस्तान अफेयर पाकिस्तान हिस्ट्री के देने हेडिंग। ये बेटा हमारा टॉपिक है आज का, ये पाकिस्तान हिस्ट्री की दे ले हेडिंग, या इंडो पाक हिस्ट्री कह लें आप इसे। तो ये हमारा टॉपिक है बेटा, इसमें हम देखें ये जो शुरू करेंगे बेटा वो 712 से शुरू करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, पाकिस्तान की जो तारीख है ना बेटा, ये उस दिन से शुरू होती है, कहा जाता है जिस दिन पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। तो किस वक्त हिंदुस्तान में इस्लाम आया, जब मोहम्मद बिन कासिम आया हिंदुस्तान में, 712 में मोहम्मद बिन कासिम साहब आए थे। और यहाँ से लेके हम 2023 तक का जो पोर्शन है हिस्ट्री का, ये सारा करेंगे हम, किस तरह से वाकियात हुए और कौन कौन से वाकियात हुए। ये इधर से बोर्ड से नजर आ रहा है, चलें किस तरह से वाकियात हुए स्टोरी की शक्ल में हम करेंगे। आपने बस इतनी सी जहमत करनी है कि आपने लिखते जाना है, हमेशा खुद के नोट्स बनाने होते हैं, आप लोग खुद के नोट्स बनाएंगे। आपका जो क्वेश्चन है बेटा वो एंड पे डिस्कस करेंगे, माइक अभी आपके ऑफ है। जैसे हमारा ये क्लास एंड होगी उसके बाद इंशाल्लाह आपके जो सवाल होंगे टॉपिक के रिलेटेड वो एंड पे हम डिस्कशन करते होते हैं, गपशप करते होते हैं। इसके अलावा आप लोग पर्सनल भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, आपके जो इश्यूज हैं प्रिपरेशन के हवाले से। कोशिश करें आप फर्स्ट टाइम मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। हो सकता है देर से मिले आपको रिप्लाई, लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। अगर आपको जवाब ना आए तो आप बार बार भी मैसेज कर सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ठीक हो गया जी। तो पाकिस्तान अफेयर, पाकिस्तान हिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक है बेटा, 712 से शुरू हो गए 2023, बल्कि 23 क्यों, 24 हो गया, अब तो 2024 चल रहा है जी। तो 2024 तक इंशाल्लाह हमने करना है ये पोर्शन सारा। तो इसमें से जो कमीशन देखें, ये जो हिस्ट्री है ना बेटा, ये तो हमारी हिस्ट्री है, किसी और की नहीं है। आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे, CSS है, PMS है, वन पेपर है आपका, एजुकेटर है आपका, किसी भी तरह का आपका एग्जाम, अगर आप पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, अगर आपने पाकिस्तान में कोई एग्जाम देना है तो ये आपके साथ है। रिटर्न के एग्जाम में भी, इंटरव्यू के एग्जाम में भी, डिस्क्रिप्टिव में भी आपके साथ है। तो ये करनी ही करनी है, तो एक दफा कर लेंगे तो जान छूट जाएगी आपकी, 10-15 दिन लगा के एक दफा कर लेंगे फिर आपकी हमेशा हमेशा के लिए इससे जान छूट जाएगी। इंटरेस्टिंग भी है हमारी हिस्ट्री ना, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। बड़ा इसमें देखे हम किसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हम क्या मैप बनाएंगे पाकिस्तान का, इंडो पाक का क्या बनाएंगे, हम मैप बनाएंगे। हम मैप की मदद से कोशिश करूंगा मैं आपको समझाता जाऊंगा चीजें, क्योंकि मैप से आपको चीजें आसान हो जाती है जरा। तो बनाए जरा पाकिस्तान का मैप, प्यारा पाकिस्तान का जो है ये हमारा मैप जो है ना कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा छोटा करके बनाऊंगा आज मैं मैप, इस तरह से करके बना ले, इसे मैं थोड़ा सा नीचे करके बनाता हूँ, क्योंकि हमने आगे चल के गजनवी डायनेस्टी भी पढ़नी है तो वो भी काम आ जाएगा। बनाया जी बेटा प्यारा पाकिस्तान का जो मैप है वो बना ले जरा, इस जिस तरह से मैप है। कुछ इस तरह से बेटा हमारे पास मैप बनेगा पाकिस्तान का, बना ले जरा। बनाया जरा तो इस तरह से बेटा हमारे पास प्यारे पाकिस्तान का मैप बनेगा। ये हमारे पास लाहौर है सेंटर में, ये हमारे पास मुल्तान है जी, ये हमारे पास मुल्तान है, ये लाहौर है, और ये हमारे पास बेटा क्या है, सिंध है। सिंध है, दीबल का इलाका है, और दरमियान में यहीं पे हमारे पास एक जगह है अरोड़। अरोड़ आजकल रोड़ी कहती है इसे, आजकल ये जगह अरोड़ वाली जगह है ना, अरोड़, इसे रोड़ी कह रहे हैं आजकल। इसका जो नाम है क्या है, रोड़ी है। पूछ लेता है कभी कभी कि रोड़ी का पुराना नाम क्या था, अरोड़ था, अरोड़, AROR, अरोड़। ये बना ले जरा, ये बना ले, मैप आपको सही नजर आ रहा है, ये मैप बेटा एक दफा बना लेंगे आप साथ में, क्योंकि ये जरूरी है। ये मैप बना ले बेटा एक बार,
जी ये पाकिस्तान है बेटा, ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है। अब यहां से जरा मैं इंडिया को भी बना लेता हूँ। चलो ये क्या है जी, सारे का सारा कश्मीर है। उनको हमारा जो लेक्चर है वो बहुत दूर तक निकल जाते हैं, तो ये जो कश्मीर है ये बनाना जरूरी है यहाँ पे अलग से। पाकिस्तान का जो ऑफिशियल मैप है उसमें भी ये जी हमारे पास क्या है जी, इंडिया है। ये हमारे पास क्या है जी, इंडिया का मैप है जी। ये क्या है हमारे पास, इंडिया है, दिल्ली सरकार है। ये हमारे पास क्या है जी, दिल्ली है। और ये है जी हमारे पास गुजरात, ये हमारे पास गुजरात का इलाका है। ऊपर हमारे पास ये दिल्ली है। बस ये दो इलाके बनाने, इंडिया के ये दो इलाके बनाने। ये इंडो पाक था, ये सारे का सारा क्या था, इंडो पाक था। इंडिया और पाकिस्तान तकसीम के बाद ये पाकिस्तान बना, वो इंडिया बना। मैप वैसे बड़ा सारा है इंडिया का आगे तक, क्योंकि मेरे पास बोर्ड इतना है तो मैंने सारा छोटा करके बनाया है। ये बना ले बेटा, तो जरा हम स्टोरी शुरू करते हैं बेटा अपनी इंडो पाक हिस्ट्री की। के मोहम्मद बिन कासिम साहब सवाल बनते हैं ना, कहाँ से आए, तशरीफ लाए थे वो, तो अरब जो थे, अरब हमलावर जो थे, वो किधर से आए थे। अरब से आएंगे, सऊदी अरब से आएंगे। तो ये सऊदी अरब या अरब किधर है, ये मैप में जरा हम बना लेते हैं। ये बेटा हमारे पास यहाँ ईरान है। वैसे अगर मैप में देखेंगे ना, आज का ईरान है यहाँ पे हमारे पास, आज का ईरान है पाकिस्तान ज्योग्राफी में। वैसे हम ये करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें ना, थोड़ा सा ईरान से आगे की तरफ जाएंगे ना, इधर यहाँ पे हमारे पास एक इलाका है जी दमिश्क। कल से फिर खबरों में है, क्योंकि दमिश्क में जो हाँ इनका कैपिटल है, दमिश्क में ठीक है, शाम का कैपिटल है, शाम का मुल्क है, शाम है ये। शाम का कैपिटल क्या है, दमास्कस है, दमिश्क है। ओल्ड बच्चों को तो मैंने करवा दिया वर्ल्ड ज्योग्राफी, उन्हें तो क्लियर होगा, जो नए बच्चे हैं वो इसी तरह से बना लें। दमस्कस है यहाँ पे, शाम है वो। कल मेरे ख्याल से अमेरिका ने या इसराइल ने शायद हमला किया है दमस्क में, ईरानी कौंसल खाने के ऊपर, वो खबरों में चल रहा है। तो दमिश्क जो है ये शाम का इलाका है, सारे यहाँ पे रियासत शाम हुआ करती थी कभी, इस दौर में हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो यहीं पे एक जगह है जी हमारे पास बसरा, यहीं पे हमारे पास एक जगह है बसरा। बसरा बनाए जरा, बसरा इराक में, आजकल ये इराक में है, क्योंकि आजकल एक मुल्क यहाँ पे ईरान है, फिर इराक बन गया, फिर शाम बन गया। उस वक्त यहाँ पे सारा एक ही मुल्क शाम हुआ करता था, इस वक्त की हम बात करेंगे। यहाँ पे कोई इशू और है बेटा? ये हमने पाकिस्तान का अपना प्यारा पाकिस्तान बनाया है, जिसमें हमने लाहौर बनाया है यहाँ पे दरमियान में, इधर हमने मुल्तान बनाया, इधर हमने सिंध बनाया नीचे की तरफ। दरमियान में मैंने एक जगह बनाया रोड़ी, सक्खर, सक्खर के साथ है रोड़ी। आजकल इसे रोड़ी कहते हैं, लेकिन पुराना नाम इसका था अरोड़। अरोड़ अलिफ वाओ अरोड़ इस तरह से लिखने, इंग्लिश में लिखने, ए आर ओ आर अरोड़, या इसे अलोर भी कहते हैं कभी कभी, वो अलोर भी कहेगा, अरोड़ भी कहेगा। तो ये अरोड़ का इलाका है, ये पुराना नाम है किसका, अरोड़ी का। इसके ईस्टर्न साइड पे ये इंडिया है, इंडिया का मैप बनाया हमने। ये दरमियान में कश्मीर है, तो इंडिया का कैपिटल आपको बताया दिल्ली है। यहाँ नीचे की तरफ सिंध के साथ इधर मैंने गुजरात का इलाका बनाया, क्योंकि यहाँ सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा था, महमूद गजनवी आएगा, वो सारी चीजें हमने पढ़नी है। ठीक हो गया जी। पाकिस्तान की ये वाली साइड पे यहाँ पे आजकल एक मुल्क है ईरान। पिछले दिनों आपको बताया पाकिस्तान के साथ हालात भी खराब हो गए थे, ईरान ने हमला कर दिया था। ईरान यहाँ पे जो है ना जी बेटा, हमने बनाया क्या बनाया जी, देखिए मैं दोबारा सुनाया था। ईरान से इधर की तरफ जाके एक मुल्क बनाया, यहाँ पे मुल्क शाम, हमारे पास मुल्क शाम मौजूद है। शाम का कैपिटल दमास्कस, दमिश्क इसका कैपिटल है किसका, शाम का कैपिटल क्या है, दमिश्क है, दमिश्क। कल आपको बताया कि अमेरिका ने बल्कि और इसराइल ने हमला किया है दमिश्क में, ईरान का जो कौंसल खाना था उसके ऊपर बहुत सारे लोग जो है ना वहां मारे गए हैं। तो शाम यहाँ पे बहुत बड़ी रियासत थी उस दौर में, जब हम ये पढ़ेंगे आज शुरू करेंगे मोहम्मद बिन कासिम का दौर, तो उस वक्त शाम की रियासत हुआ करती थी। शाम से पहले यहीं पे एक इलाका है बसरा, बसरा का इलाका है जी हमारे पास। कौन सा इलाका है, बसरा। आजकल बसरा इराक में है, उस वक्त इराक नहीं था ना ईरान था। उस वक्त यहाँ पे सारी जो बड़ी रियासत थी उसका क्या नाम था, रियासत शाम था, सीरिया था, और कैपिटल क्या था, दमास्कस था।
जिस दौर की हम बात करेंगे, ये सारे वाकयात पढ़ेंगे, उस दौर में यहाँ रियासत शाम हुआ करती थी। आप ये देख लें, चले मैं आपको जो है ना इसे रेज कर देता हूँ, यहीं से शुरू करेंगे हम 712 से। तो आपको बताया कि 712 में जहाँ से ये आएंगे मोहम्मद बिन कासिम साहब, वो किसकी हुकूमत थी? तो बनू उमैया की हुकूमत थी। मोहम्मद बिन कासिम साहब, लिखे जरा बनू उमैया, उमैया डायनेस्टी, उमैयाद डायनेस्टी जो थी, बनू उमैया की जो हुकूमत थी, यही हजरत अली की शहादत के बाद बनी थी और इनका कैपिटल ये शाम था। बनू उमैया की जो गवर्नमेंट थी, इनका पूछता है पेपर में कि इनकी जो गवर्नमेंट थी ना जी, वो कब से कब तक रही? ये साल जरा हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने कमीशन के एग्जाम के हवाले से देखना है। तो 661 में हजरत अली की शहादत हुई थी एडी में। आपके पता है अभी 21 रमजान, हजरत अली की शहादत का दिन जो है, तो 661 एडी था ये, और 750 एडी तक इनकी हुकूमत रही। किसकी? बनू उमैया की। 661 एडी से 750 एडी तक, हिजरी में देखेंगे तो 40 हिजरी बनती है। हजरत अली की शहादत की जो डेट है वो 40 हिजरी बनती है। तो 661 एडी पूछता है पेपर में कब से कब तक रही, तकरीबन ये कोई 90 साल बनती है इनकी हुकूमत। ये भी पूछा है कि बनू उमैया की हुकूमत कितने साल तक रही, तो राउंड अबाउट 90 साल बनती है इनकी हुकूमत। इस हुकूमत की फिर पूछता है बुनियाद रखने वाला कौन था, फाउंडर ऑफ उमैया डायनेस्टी कौन था। थोड़ा सा उमैया डायनेस्टी को देख के फिर हम इधर घुस जाएंगे अपनी हिस्ट्री में, ठीक हो गया जी? क्योंकि जब तक आपको बेस का नहीं पता होगा कहाँ से आए, क्यों आए ये हमलावर, तब तक आपको आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, रट्टा लगाते रहे बैठ के। तो बनू उमैया की हुकूमत है यहाँ पे, बनू उमैया की हुकूमत का फाउंडर कौन है जी? हजरत अमीर माविया साहब है जी, हजरत अमीर माविया साहब जो है ना, क्या है जी, फाउंडर है किसके? उमैया डायनेस्टी के। स्पेलिंग बेटा आप लोग देख लीजिएगा, स्पेलिंग का कोई ऐसा इशू नहीं है, वन पेपर में आपको कुछ भी नहीं लिखना होता, आपने सिर्फ कंसेप्ट देखना है। तो हजरत माविया साहब जो थे, कब ये हुकूमत में आए, बाकायदे इनके पास हुकूमत 661 में हजरत अली की शहादत के बाद सारी यहाँ की रियासत इनके पास चली गई, बनू उमैया के पास चली गई। तो अमीर माविया साहब क्या है, फाउंडर है किसके? उमैया डायनेस्टी के। उमैया डायनेस्टी के फाउंडर अमीर माविया साहब है। अमीर माविया साहब के बाद अगला जो हुक्मरान आएगा इनका, मैं इधर लिखता हूँ, नेक्स्ट जो हुक्मरान आए बेटा, लिखें जरा नाम लिखते जाए, यजीद आएंगे जी, यजीद फर्स्ट लिखेंगे आप, यजीद अव्वल लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे। तो यजीद फर्स्ट ये वही यजीद हैं जिनके दौर में हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया। याद रखिएगा, वो कभी कभी सवाल पूछ लेता है। तो ये तकरीबन बेटा इवेंट है, आप देख लें कि 600, आप देखें कि 81 का ये तकरीबन बनेगा, 680 का लिखें, बल्कि 680 81 82, हाँ तकरीबन ये बनेगा बेटा। अगर इसका आप देखें तो 682 का साल बनना चाहिए इसे, अगर इसे हम एडी में लिखें जिसमें हजरत इमाम हुसैन को, बल्कि ये ना लिखें, हजरत इमाम हुसैन को अलग से डिस्कस किया हुआ है हमने, लेक्चर अलग से है। बस ये देखें, यजीद की हुकूमत आई हजरत अमीर माविया साहब के बाद, यजीद हुकूमत में आया, तकरीबन को 2.5-3 साल इसकी हुकूमत रही, इसी के दौर में हजरत इमाम हुसैन को भी शहीद किया गया। इसके बाद जो बड़ा नाम आपने लिखना है ना, बड़ा नाम तो लिखना है जिसके बारे में कमीशन के हवाले से पूछा जा सकता है, वो मरवान है जी, मरवान, मरवान लिखे जरा, मरवान फर्स्ट, मरवान अव्वल, मरवान। अच्छा दरमियान में जो है ना जी, हम देखें तो माविया सेकंड भी आता है कुछ थोड़े से टाइम के लिए ना, इसके बाद मरवान से पहले और यजीद के बाद, लेकिन उसके बारे में ऐसा सवाल नहीं आता ना, कमीशन पूछता नहीं है। मरवान के बारे में हमने पढ़ना, यजीद के बाद आप जो बड़ा नाम याद रखेंगे वो मरवान का नाम याद रखेंगे, मरवान के फिर आगे दो बेटे हमने याद रखने, ये सारा हमने थोड़ा सा बनाना है। मरवान के बाद हमारे पास नेक्स्ट मरवान के दो बेटे, एक का नाम है जी हमारे पास अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक, और दूसरे का नाम है अब्दुल अजीज, अब्दुल मलिक और अब्दुल अजीज, ये लिख ले जरा। ये दोनों मरवान के बेटे थे, अब्दुल मलिक और अब्दुल अजीज।
अब्दुल अजीज से आगे चल के होंगे उमर बिन अब्दुल अजीज, आपने सुना होगा नाम उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम किस किसने सुना है? उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम किस किसने सुना है? इधर से नजर आ रहा है उमर बिन अब्दुल अजीज आपको? जी, उमर बिन अब्दुल अजीज साहब जो थे ये अब्दुल अजीज के बेटे थे, मतलब मरवान के पोते थे, इस तरह से कहेंगे आप इसे, ये मरवान के पोते थे। ये भी आगे चल के हुकूमत में आएंगे, इन्हें बाद में डिस्कस करेंगे अभी हम। और अब्दुल मलक के फिर आगे चार बेटे, अब्दुल मलक के आगे चार बेटे याद रखने हैं हमने। आप बेशक इसके नीचे ही लिख लें, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इधर साइड पे लिखता हूँ। नंबर वन है जी हमारे पास वलीद, वलीद बिन अब्दुल मलक, ये हुकूमत में आएगा। तो वो वलीद था हुक्मरान जिसके दौर में ये मोहम्मद बिन कासिम को भेजेगा हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए। क्यों भेजा था वो भी डिस्कस करते हैं। अभी ये लिख लें कि अब्दुल मलिक के चार बेटे, वलीद नंबर वन, नंबर टू सुलेमान, नंबर थ्री हमारे पास यजीद, यजीद सेकंड, नंबर फोर हमारे पास हशाम, नंबर फोर हशाम, हशाम बिन अब्दुल अजीज। तो ये चार बेटे चारों क्या बनते हैं हुकूमत में आएंगे? पहले पहले वलीद आएगा, फिर सुलेमान आएगा, सुलेमान के बाद इनका कजन उमर बिन अब्दुल अजीज आएगा, फिर यजीद सेकंड आएगा, फिर हशाम आएगा। इनकी ऐसी हुकूमत चलेगी वन बाय वन। ये सारा हमने बनू मैया को हम इस्लामियात में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये वलीद ही था जिसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए। तो सवाल पूछता है कि मोहम्मद बिन कासिम को किसने भेजा था या किसके दौर में आया? बनू मैया के दौर में हिंदुस्तान पर हमला करेगा। कौन भेजेगा? वलीद भेजेगा। वलीद क्यों भेजता है ये अभी हम डिस्कस करते हैं। मुझे बता दें यहां तक आपको ये सारी कहानी स्टोरी समझ आ गई कि यहां शाम के अंदर हुकूमत है किसकी? बनू मैया की। सवाल पूछता है बनू मैया का जो कैपिटल था वो क्या था? हुकूमत जो इनकी थी 661 से 750 तक, इनका कोई कैपिटल भी तो होगा ना। तो इनका कैपिटल शाम था, दमस्कस में ये बैठा करते। दमस्कस आपको पता दुनिया का ओल्डेस्ट कैपिटल है, यहां पे ये बैठते थे और आसपास के इलाके कंट्रोल करते थे। तो सबसे पहले बनू मैया की हुकूमत की बुनियाद रखी किसने? हजरत अमीर माविया साहब ने। उनके बाद उनका बेटा यजीद आया, यजीद के बाद माविया सेकंड आया, फिर आया हमारे पास मरवान वन, मरवान साहब आए। मरवान के बाद आगे उनके दो बेटे अब्दुल मलिक और अब्दुल अजीज। मरवान के बाद अगला खलीफा बनता है, बादशाह बनता है अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक फिर अपनी औलाद में वलीद को हुकूमत दे जाता है, वलीद फिर सुलेमान को दे देता है, सुलेमान अपने कजन को उमर बिन अब्दुल अजीज को, इनका बहनोई भी था सुलेमान का और ये कजन भी तो हो जाएगा ना, चचा का बेटा था ना। तो इसे हुकूमत दे जाते हैं अब्दुल अजीज के बाद, फिर यजीद आएगा, फिर हशाम आएगा। ये इनकी तरतीब है बनू मैया की। इनके बारे में इस्लामियात में हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी आपने थोड़ा सा इसे इस तरह से देख लेना है। ठीक हो गया बेटा, अब हम बनू मैया की स्टोरी को यहां से क्लोज करके हम चले जाएंगे वलीद के दौर में, क्योंकि हमने मोहम्मद बिन कासिम को डिस्कस करना है, हिंदुस्तान की तारीख देखनी है। थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है बस। अच्छा, बनू मैया का आखिरी हुक्मरान भी पूछ देता है, पूछ लेता है कभी कभी कि बनू मैया का लास्ट हुक्मरान कौन था? तो वो हमारे पास मरवान सेकेंड था, वो भी लिखना चाहे तो लिख ले। मरवान सेकेंड वॉज द लास्ट रूलर ऑफ उमैया डायनेस्टी। 750 में इनसे हुकूमत अब्बासी छीन लेती है, बनू अब्बास की हुकूमत शुरू हो जाएगी इनसे। इनके बाद हजरत अब्बास के औलाद में से थे वो, कहते उनको क्लेम करते थे अलवी हुकूमत या अब्बासी हुकूमत। वो क्या करेंगे इनसे हुकूमत? इनकी दुश्मनी थी आपस में बनू अब्बास की, और यहाँ पे पढ़ेंगे हम इस्लामियात में ये सारे वाक्यात डिस्कस करेंगे। तो अभी आप इतना सा देख लें कि बनू ये कमीशन के एग्जाम के हवाले से चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो कमीशन पूछता है। तो यहां पे देखें आप कि बनू मैया की जो हुकूमत थी उसका आखिरी हुक्मरान मरवान सेकंड था। क्लियर हो गई बेटा? ये मैं रेज करता हूँ सारी कहानी और मैं वलीद को शुरू करता हूँ क्योंकि हमने वलीद से अपनी कहानी शुरू करनी है, इसे मैं रेज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा ये। जी बेटा, अब हम बात करें वलीद की। लिखिए जरा वलीद बिन अब्दुल मलिक, वलीद बिन अब्दुल मलिक। वलीद बिन अब्दुल मलिक ये आएंगे जी 705 में और ये 715 तक रहेंगे। इनका टेन्योर
705 से लेके 715 तक है। अब इसी के दरमियान में 712 आएगा, 712 में आयना मोहम्मद बिन कासिम, तो इन्हीं के इसी का टेन्योर में 712 आएगा ना। अब देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि वलीद साहब जो थे ना, ये बड़े जबरदस्त और मजबूत किस्म की हुकूमत बना चुके होते हैं और ये प्लान करते कि मैं पूरी दुनिया को फतह करूंगा। मैं क्या करूंगा जी, पूरी दुनिया को फतह करूंगा। और उसके लिए इसके जो बेहतरीन जर्नल होते हैं ना, उन्हें ये क्या करता है जी, काम पे लगा देता है, भेज देता है जी आपने उधर जाके जंग करनी है, आपने उधर जाके जंग करनी है। तो कुछ इसके काबिल तरीन जो जर्नल थे उनका जिक्र हम करेंगे। नंबर वन लिखें जी, नंबर वन है जी हमारे पास मूसा बिन नुसैर, या मूसा बिन नजीर भी पढ़ते हैं इसे, मूसा बिन नुसैर या फिर मूसा बिन नुसैर, मूसा बिन नजीर या फिर मूसा बिन नुसैर नंबर वन पे। इन्हीं के साथ दूसरे नंबर पे ऐड करें तारिक बिन जियाद, तारिक बिन जियाद, सुना होगा नाम आपने, कश्तियां जलाई थी जिसने। तीसरे नंबर पे लिखें जी उतैबा, उतैबा बिन मुस्लिम, इसका भी सवाल आता है पेपर में, उतैबा बिन मुस्लिम। तीसरा नंबर, चौथे नंबर पे लिखें, चौथे नंबर पे आप लिखेंगे हिज्जाज बिन यूसुफ, साथ में मोहम्मद बिन कासिम, हज्जाज बिन यूसुफ प्लस मोहम्मद बिन कासिम। तो ये क्या थे जी, वलीद के बेहतरीन जर्नैल थे, वलीद के जो जबरदस्त किस्म के जर्नैल थे उनमें से चार पांच का जिक्र करेंगे हम, तारीख में इनका नाम है। तो इन्हें क्या किया जाता है, टास्क दिया जाता है कि क्या करें, ये फतवात करें, जाए दुनिया को फतह करें। तो मूसा बिन नुसैर को कहां भेजा गया, सवाल ये बनता है। तो मूसा बिन नुसैर को भेजा गया था अफ्रीका में, लिखे जरा, अफ्रीका की फतवात करने के लिए मूसा बिन नुसैर को भेजा गया। अफ्रीका में जितना भी इस्लाम है, उमर फारूक के दौर में इस इलाका फतह किया गया था, अफ्रीका का काफी सारा एरिया। उसके बाद जो सबसे ज्यादा फतवात हुई वो बनू मैया के दौर में, वलीद के दौर में मूसा बिन नुसैर ने अफ्रीका को फतह किया। ठीक हो गया जी, इसे कहा जाए फातेह अफ्रीका। सवाल पूछा जाए अगर आपसे कि फातेह अफ्रीका किसे कहते हैं, या फिर अफ्रीका को किसने फतह किया, तो मूसा बिन नुसैर ने किया, मूसा बिन नुसैर ने किया। नुसैर पढ़े, नुसैर पढ़े की बात है। उसके बाद तारिक बिन जियाद को पूछा जाएगा किधर भेजा गया, यूरोप, यूरोप स्पेन पे हमला किया इसने, स्पेन पे, स्पेन पे जबले तारिक, जिब्राल्टर याद है आपको, 711 में इसने क्या किया था, कश्तियां जला दी थी और स्पेन पे हमला किया था, जबले तारिक, तारिक का पहाड़, इसने कश्तियां जला दी, इसने कहा पीछे भी मौत है आगे भी मौत है, मर्जी तुम्हारी है, आगे लड़के मरना है या पीछे डूब के मरना है। तो ये वही तारिक बिन जियाद है, पूछता है कब इसने हमला किया था, 711 में यूरोप पे हमला किया, स्पेन पे। फातेह यूरोप की अगर बात आए तो तारिक बिन जियाद की बात करेंगे। अच्छा वैसे तारिक बिन जियाद के बारे में हम पढ़ेंगे कभी, तारिक बिन जियाद असल में मूसा बिन नुसैर का जर्नैल था, ये असल में ये मूसा बिन नुसैर का था। अच्छा ये था नॉर्थ, लिख लें जरा, पूछता है पेपर में, ये बर्बर ट्राइब से था, बर्बर, बर्बर ट्राइब से था, बर्बर ट्राइब आपने सुना होगा जुल्म और बर्बरियत, बर्बरियत का लफ्ज यहीं से बर्बर ट्राइब से निकला है। ये वैसी लोग थे बर्बर ट्राइब के, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में, ये पूछता है पेपर में तारिक बिन जियाद कहां का रहने वाला था, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, जहां पे मोरक्को है, जहां पे तुनिसिया है, जहां पे अल्जीरिया पढ़ा था हमने, नॉर्थ वेस्ट वहां का ये रहने वाला, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, अफ्रीका की कौन सी साइड का, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में बर्बर ट्राइब मौजूद था। ये जुल्म और बर्बरियत का लफ्ज इन्हीं के ट्राइब से निकला है, ये वैसी थे लोगों को जुल्म और मतलब इतना मतलब बेरहमी के साथ कत्ल करते थे, इस वजह से इनका नाम था बर्बर ट्राइब, तो वहीं से बर्बरियत का लफ्ज है, तो बर्बर ट्राइब से इसका ताल्लुक था। और जो है ना जी ये फातेह यूरोप का, असल में मूसा बिन नुसैर ने इसे अपने अंडर किया था, इसे इसे हराया जंग और इसके बाद इस पर कब्जा कर लिया
इनके ट्राइब पे, फिर इन्हें भेज दिया यूरोप पे हमला करने के लिए, जाओ उधर हमला करो ताकि ये मूसा की फौज को तंग ना करें, मसरूफ रहे कहीं ना कहीं। उसके बाद कुतैबा बिन मुस्लिम के बारे में सवाल आएगा, तो कुतैबा बिन मुस्लिम फातह सेंट्रल एशिया, वस्ती एशिया, लेकिन वस्ती एशिया का फातह किसे कहेंगे हम, या सेंट्रल एशिया जो उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान जो है, ये सारा किसने फतह किया बेटा, कुतैबा बिन मुस्लिम ने किया था। कुतैबा बिन मुस्लिम को वस्ती, ये नजर आ रहे हैं आपको जो मैं लिख रहा हूं सामने, स्पेन और वस्ती एशिया वगैरह नजर तो आने चाहिए। चले वस्ती एशिया का फातह कुतैबा बिन, ये सवाल बने हैं सारे बेटा, ये सारे सवाल आए पेपर में। उसके बाद हिजाज बिन यूसुफ, इसके बारे में सवाल है कहां का गवर्नर था ये, जब कहीं और नहीं गया था। असल हिजाज के बारे में जो इसके ऊपर टैग है ना वो ये है कि इसने खलकाबा पे हमला करवा दिया था। कुछ सहाबा कराम जो थे जो बनू मैया के खिलाफ थे, वो जब मतलब है कि जाके छुपे खाना काबा में मक्का में, तो उस वक्त जो है ना इसने वहां पे पत्थरों से बमबारी करवा दी थी, कहा यह जाता है, जिसमें कहा जाता है कि वो जो हजरत अस्वद है उसे भी नुकसान पहुंचा था। खैर, तो हिजाज बिन यूसुफ बसरा का गवर्नर था, लिखा बसरा उसका पेपर में कहा गवर्नर बसरा, इसीलिए लिखा था मैंने ये बसरा। बसरा गवर्नर कौन है, हिजाज बिन यूसुफ साहब थे। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम किधर आएगा जी, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को भेजा जाएगा। ये प्लान किसका है, वलीद का है। वलीद का प्लान क्या है, पूरी दुनिया को मैंने फतह करना है, मैंने पूरी दुनिया, देखिए यहां से शाम से नीचे की तरफ जाएंगे ना, यहाँ अफ्रीका है सारा, इधर जाएंगे शाम से इधर की तरफ नॉर्थ वेस्ट वाली साइड में, यहां पर सारा यूरोप है, इधर देखें ईस्ट वाली साइड में तो इंडिया था, इधर भी भेज रहा है बंदा, ये सेंट्रल एशिया यहां बनाया था हमने, ये सेंट्रल एशिया यहाँ पे, उज़्बेकिस्तान वगैरह यहां भी, मतलब चारों तरफ उसने अपने जनरल भेज दिए थे पता करने के। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा, अब मैं ये रेस कर देता हूं। अच्छा, इनका इंजाम भी थोड़ा सा देख लेती है, मोहम्मद बिन कासिम को तो हमने डिटेल में देखना है ना, इन बाकियों का इंजाम क्या हुआ ये भी देख लेते हैं, कब मरे और कहां दफन है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए हुआ ये बेटा, याद रखिएगा कि 705 से 715 तक का टाइम हो रहा है वलीद का। अब इसने जो प्लान किया ये 9-10-11 की बात है सारी, 9-10-11-12 उस दौर में ये सारा हो रहा है। अच्छा, अब हुआ ये 715 में वलीद मर जाएगा, 715 में वलीद मर गया। वलीद के भाई बाद उसका भाई जो था सुलेमान, वलीद के बाद इसका भाई सुलेमान हुकूमत में आएगा, सुलेमान हुकूमत में, सुलेमान बिन अब्दुल मलक, याद रखिएगा, ये भी सवाल बना है पेपर में, किसने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाया था, सुलेमान ने वापस बुलाया, भेजा किसने, वलीद ने, वापस कौन बुलाएगा, सुलेमान। अब जब ये मर गया, प्रोजेक्ट तो इसका था ये सारा वलीद का, तो जब भाई हुकूमत में आया उसने सबसे पहले इन्हें वापस बुलाया और सबको मरवा दिया। क्यों, क्योंकि वो खिलाफ थे दोनों एक दूसरे के प्रोजेक्ट के, ये सारे रिपोर्ट करते थे वलीद को, सुलेमान की सुनते नहीं थे, तो सुलेमान ने आते ही सबसे पहले इन्हें मरवाएगा सुलेमान। मैं अक्सर कहता हूं कि मुसलमानों को जितना नुकसान मुसलमानों ने खुद ने पहुंचाया है ना, इतना किसी और ने नहीं पहुंचाया। हम खुद ही अपने इतने बड़े दुश्मन हैं कि अमेरिका को, इसराइल को, इंडिया को हमारे खिलाफ साजिश करने की जरूरत ही नहीं है, वो क्यों हमारे पर टाइम वेस्ट करेंगे, हम खुद ही काफी हैं अपने लिए। तो खैर, इस तरह से हुआ क्या, मूसा बिन नुसैर को बुलाया गया वापस, मूसा बिन नुसैर को वापस बुलाया गया, इसे कैद किया गया पहले, इसके ऊपर जुर्माना लगाया गया। जब उसका जी ठंडा नहीं हुआ सुलेमान का, तो फिर मूसा बिन नुसैर को कहा यह जाता है कि काबा के बाहर दो शुरते हथकड़ियां लगा के बिठा आते थे और सारा दिन बैठ के ये बेचारा भीख मांगता था, और जो पैसे जमा होते उससे वो जो तावान लगाया गया था इसके ऊपर, जो इसके ऊपर करप्शन के इल्जाम थे, जो इसके ऊपर जुर्माना था, वो ही अदा करता रहा, और बहुत बुरी हालत में ये 716 में मरा। 716 में ये फौत हुआ और ये हिजाज में दफन है। मूसा बिन नुसैर
716 में कसमापुर से की हालत में, बहुत बुरे हालत में ये फौत हुआ 716 में। कहां दफन है? हिजाज में। हिजाज कहते थे मक्का और मदीना के इस एरिया को, सारे को हिजाज मुकद्दस कहा जाता था, याद रहेगा। उसके बाद तारिक बिन ज़ियाद साहब को ही वापस बुलाया गया, तारिक बिन ज़ियाद साहब भी वापस गए। इन्हें भी कुछ अर्सा कहा जाता है कैद किया गया, फिर इनके ऊपर जुर्माना लगाया गया, तावान लगाया गया इनके ऊपर। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी बाकी जो थी मजदूरी, मेहनत मजदूरी करके वो जो तावान था वो कर्ज उतारने में गुजार दी। ये 720 में फौत हुआ तारिक बिन ज़ियाद, लिखे जरा 720 में यह फौत हुआ और ये दमिश्क में दफन है। दमस्कस का लिखेंगे बेटा तारिक बिन ज़ियाद का, दमस्कस का लिखेंगे, 720 में यह फौत हुआ। उसके बाद आ गए कुतैबा बिन मुस्लिम, तो कुतैबा बिन मुस्लिम को ही वापस बुलाया गया, तो कुतैबा बिन मुस्लिम ने वापस आने से इनकार कर दिया, उसने बगावत कर दी। उसने कहा जी मैं नहीं जाता, उसे पता था ना कि मेरे साथ क्या होगा, इसने बगावत कर दी, इसे 715 में कत्ल करवा दिया गया। फिर इसी की आर्मी ने, इसी की आर्मी से बगावत करवा के इसे 715 में कत्ल करवा दिया गया। ये कहाँ दफन है? फरगाना में, उज्बेकिस्तान में दफन है, सेंट्रल एशिया में। ये फातेह सेंट्रल एशिया है ना, वस्ती एशिया, ये वस्ती एशिया में दफन है। 715 में इसे भी कत्ल करवा दिया। अब आ जाए हिजाज बिन यूसुफ, तो पहले ही फौत हो गया था, 714 में फौत हो गया था ये पहले ही फौत हो गया था। मोहम्मद बिन कासिम को भी 715 में वापस बुलाया जाएगा और इसे भी कैद कर दिया जाएगा और ये भी कैद में ही मरेगा, ये भी कैद में ही मरेगा। तो वो जो प्लान था वलीद का पूरी दुनिया को फतह करने का, वो खुद उसके भाई ने बर्बाद कर दिया, खुद उसके भाई ने क्या कर दिया, उसका सत्यानाश कर दिया। तो ये थोड़ा सा इनका अंजाम याद रखें। हमारी तारीख इसी तरह से है, हमने अपने हीरोज के साथ कुछ ऐसा ही सलूक किया है। ठीक हो गया जी, ये थोड़ा सा आपको समझ आ गया। अब हम आ जाते हैं मोहम्मद बिन कासिम, अब थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझ आ गई कि क्यों, वो तो कहानी है ना नाहिद वाली, और जो है ना जी वो सारी स्टोरी है, बात समझ रहे हैं। जो असल में तो प्लान इसका ये था ना, पूरी दुनिया को इसने पता करना है, बात समझ रहे हैं। आगे ऐड करेंगे नाहिद वाली स्टोरी को भी अब, लेकिन इसे आप थोड़ा सा इस तरह से कर ले। मेरे ख्याल से ये हवा की वजह से शायद मोबाइल जो है ना, चलो उम्मीद है अब नहीं होगा, इसे मैं रेज करता हूँ बेटा। अब हम जरा अपना जो मेन टॉपिक है मोहम्मद बिन कासिम साहब का वो शुरू करते हैं, किस तरह से मोहम्मद बिन कासिम साहब जो है ना आएंगे और उस वक्त हिंदुस्तान में क्या हो रहा था, ये जरा हम देखेंगे। हेडिंग ले जी मोहम्मद बिन कासिम की, मोहम्मद बिन कासिम की हेडिंग ले जी 695 एडी से लेके 715 एडी तक इसका टेन्योर है। 695 में ये पैदा हुआ था, कहाँ कहाँ पैदा हुआ था, देखिए 695 में इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या, 695 एडी है, 715 में ये मर गया था। कहाँ पे ये पैदा हुआ था बेटा, इसकी ट्राइब पूछता है, इसका कबीला है, इसकी बस्ती पूछेगा वो। तो इसकी जो बस्ती थी बेटा वो ताइफ थी, लिखिए जरा ताइफ। ये वही ताइफ है जिसके बारे में नबी पाक ने दुआ की थी कि अल्लाह ये नहीं तो इनकी नस्लों में से कोई क्या करेगा, इस्लाम की खिदमत करेगा। तो ताइफ जो वादी है, ताइफ है ना जी, ये कहाँ है, हिजाज में है, ठीक हो गया जी, मदीना के पास है ये ताइफ। यहाँ पे कौन सा कबीला आबाद था, सकफी कबीला, सकफी लिखे जरा सकफी, सकफी ट्राइब। सवाल पूछता है मोहम्मद बिन कासिम का ट्राइब कौन सा था, तो मोहम्मद बिन कासिम का ट्राइब था सकफी ट्राइब। बस्ती कहां का रहने वाला था, ये ताइफ का रहने वाला, ताइफ का, सकफी ट्राइब से था ये। उसके बाद एक और सवाल बनेगा, इसका टाइटल इमादुद्दीन, अमादुद्दीन इसका टाइटल था, लकब था। ये सारे सवाल है बेटा, ये सारे सवाल है। सकफी ट्राइब बेटा ये वही जिसमें मैंने आपको बताया ताइफ में जब नबी पाक जाएंगे तबलीग करने के लिए तो उन्होंने नबी पाक के ऊपर पत्थर मारे थे, नबी पाक के दंदान मुबारक शहीद हो गए थे, ये वही ताइफ है, सकफी ट्राइब वही है। इसने सकफी ट्राइब ने ना बड़ी खिदमत किया गया इस्लाम की ना, इसमें से आगे चल के हम देखेंगे इस्लामियात में। अबू उबैद सकफी एक बहुत बड़ा नाम, जो जंगे जसर में हाथियों की लड़ाई में शहीद हुआ था, हजरत उमर फारूक के दौर में जंगे जसर को लीड करने वाला अबू उबैद सकफी साहब थे। फिर आगे चल के उनका बेटा मुख्तार सकफी, एक मतलब है कि स्टोरी, इसकी हम डिस्कस करेंगे।
इसने वाकया करबला के जो करेक्टर थे जिन्होंने इमाम हुसैन को अहले बैत को शहीद किया था उन सारों का बदला अब वो मुख्तार सकफी साहब लेते हैं। तो वो मतलब इस तरह से इन्होंने इस्लाम को मतलब बड़ा अल्लाह ताला ने इनसे काम लिया। तो अब मोहम्मद बिन कासिम साहब भी हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने का बास बनेंगे, जो भी रीजन थी इसके पीछे, लेकिन अल्टीमेटली जो आज हिंदुस्तान में मुसलमान है उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत यहां से हुई, और किसने की? मोहम्मद बिन कासिम साहब ने की। ठीक हो गया जी। तो ये मोहम्मद बिन कासिम साहब की पर्सनैलिटी के हवाले से दो तीन सवाल बन सकते हैं। उसके बाद कब पैदा हुआ था ये मैंने आपको बता दिया। अब इसका रिश्ता था हिजाज बिन यूसुफ के साथ, वो पूछते हैं क्या रिश्ता था इनका, हिजाज बिन यूसुफ का ये क्या था। हिजाज की वजह से ये हुकूमत में इसे मतलब जगह मिली हुई थी ना। हिजाज बेसिकली क्या था, बनू मैया का वफादार था, बसरा का गवर्नर था उस वक्त, जब ये सारा दौर हम डिस्कस करेंगे इस दौर में बसरा का गवर्नर है वो हिजाज बिन यूसुफ। इसे मैं रेज करता हूँ, जरा हिजाज के साथ इसका, हिजाज कह रहा हूँ मोहम्मद बिन कासिम के साथ इसका रिश्ता। हाँ जी, मोहम्मद बिन कासिम साहब, ये मैंने आपको बता दिया इसका हिजाज बिन यूसुफ, हिजाज बिन यूसुफ के साथ रिश्ता क्या था इसका। एक तो ये इसका चचा था, इसका क्या था, चचा था, अंकल था। दूसरा क्या था, ये सन इन ला था, सन इन ला मतलब दामाद था। मोहम्मद बिन कासिम दामाद था हिजाज का, हिजाज का मोहम्मद बिन कासिम हिजाज बिन यूसुफ का दामाद भी था और भतीजा भी था। ये मोहम्मद बिन कासिम का क्या था जी, भतीजा भी था और साथ में दामाद भी था। तो हिजाज क्या हुआ, इसका चचा हुआ और फादर इन ला हुआ, सुसर हो जब बन जाएगा और साथ में इसका चचा भी हो जाएगा। तो ये इनका रिश्ता था। अब देखिए, अब जरा आप देखते हैं कि इन्हें क्यों भेजा जा रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। अब जरा देखते हैं हिंदुस्तान में क्या हो रहा था जब ये सारा आएगा ये हमला करने के लिए, वो हमला हम इसे क्या करवाते हैं इधर, वो डिस्कस करते हैं। लेकिन अब जरा देखिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा था, हिंदुस्तान के हवाले से इस वक्त सवाल क्या बन सकते हैं, ये थोड़ा सा मैं रेज कर देता हूँ। अब देखिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में स्पेशली इस सिंध के एरिए में यह हुकूमत किसकी है जी, राजा दहर की है। राजा दहर साहब की हुकूमत है जी। और कहाँ है बैठता है वो, अरोड़ में। इसका कैपिटल क्या, अरोड़ है, अरोड़ कैपिटल था इसका। देखिए जरा कैपिटल क्या था जी इसका, राजा दहर का पूछता पेपर में कैपिटल क्या था, अरोड़, ए आर ओ आर या फिर ए एल ओ आर, अलोर कहेगा या फिर अरोड़ कहेगा, आजकल रोड़ी कहते हैं इसे। तो ये इसका कैपिटल था, यहाँ पे ये हुकूमत कर रहा है। बाकी इलाके में और बहुत सारे राजे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे राज्यों में तकसीम था सारा हिंदुस्तान। अब राजा दहर साहब है जी अरोड़ के, इनके जो वजीर हैं उसके बारे में सवाल बनेगा। सीसाकर था जी इनका वजीर, सीसाकर इनका वजीर था, और इसके बाप का नाम था राजा चच, राजा चच, सी एच ए एच। अच्छा ये जो राजा चच साहब थे ना, ये राजा दहर के बाप है, सीसाकर का बाप नहीं है, उसे याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ये राजा दाहिर का बाप का नाम राजा चच, ये जो आपका चीचा वतनी है मुल्तान के साथ, चीचा वतनी ये इसके नाम पे है, चच के नाम पे है, चच का वतन, वतनी वतन, चच का वतन। राजा चच साहब जो थे मोहम्मद बिन कासिम साहब के बाप थे, और ये जो सारा चीचा वतनी है ये इसी के नाम पे है, उस दौर से ये नाम चलता आ रहा है। ठीक हो गया जी। राजा चच साहब इसके बाप का नाम, सीसाकर इसके वजीर का नाम, और इसकी बेगम का नाम भी पूछ लेता है कभी कभी, लाडी बाई। बहुत सारी बेगमात थी इसकी, लेकिन लाडी बाई मशहूर हुई थी। अच्छा एक रानी बाई भी थी, रानी बाई, लाडी बाई, तो लाडी बाई आपने याद रखना, रानी बाई भी चले लिख ले। तो ये दो तीन नाम याद रखने हैं। ये जो जनाब है जी राजा दहर साहब यहाँ पे हुकूमत चला रहे हैं, अपने सिंध में अपने हुकूमत चला रहे हैं। अब देखें, एक तो इन्होंने पहले हमला किया 710 में, 710 में पहले हमला किया गया यहाँ हिंदुस्तान पे, लेकिन नाकाम हो चुके थे। वलीद पहले एक हमला करवा चुका था लेकिन वो नाकाम हो गया था। अब एक और नया बहाना मिला वलीद को हिंदुस्तान पे हमला करने का, वो क्या था, वो नाहिद वाला, नाहिद का खत। यहाँ पे एक मुल्क है श्रीलंका, श्रीलंका है बेटा यहाँ पे हमारे पास, श्रीलंका एक मुल्क है, पता नहीं आपको नजर आ रहा है कि नहीं, इंडिया के बिल्कुल नीचे, इंडिया के बिल्कुल नीचे जो है ना जी एक मुल्क है श्रीलंका।
श्रीलंका के अच्छे ताल्लुकात थे किन के साथ? शाम वालों के साथ, यहाँ वलीद के साथ। यहां से लोग जाते, ये सारा समंदर है, यहाँ पे क्या सारा समंदर है, पानी है ना सारा इधर, ये लोग जाते जहाज यहाँ से आ रहे होते जा रहे होते। और ये उस वक्त बहुत बड़ी हुकूमत थी बनू मैया की, सुपर पावर थी उस वक्त, उस वक्त की सुपर पावर थी। अब हर एक मुल्क, छोटा मोटा मुल्क बेचारा, वो क्या करता है, सुपर पावर से अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करता है, उनकी खुशनुदी के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, इस तरह से हम कर रहे हैं। इसी तरह से जो है ना, श्रीलंका वाले जो थे ये राज, इसके लिए जाज बिन यूसुफ के लिए और वलीद के लिए कुछ तोहफे तहफ और कुछ लौंडियां, लौंडियों का दौर था उस वक्त, वो जो है ना, और कुछ तोहफे तहफ एक काफिला इधर गया होता है उसे देके भेजता है, किसके लिए, इजाज बिन यूसुफ के लिए कुछ तोहफे थे और कुछ वलीद के लिए थे। कुछ लौंडियां इजाज के लिए थी, इजाज बिन यूसुफ के लिए थी, कुछ वलीद के लिए थी। अब वो काफिला यहां से आ रहा है, काफिला जब यहां से आएगा ना, ऐसे ऐसे आ रहा है समुद्र के साथ साथ से। अब जब वो यहां सिंध के पास से गुजरता है तो सिंध के जो बहरी कजाक थे, जो लुटेरे समंदर के साथ साथ लुटेरे मौजूद होते हैं, वो लूट लेते हैं, उनका गुजारा ऐसे ही चलता है, कोई जहाज जा रहा है उसे लूट लिया, उसे खा पी गए, हुकूमत की रिट वहां ना होने के बराबर होती है, आजकल तो कुछ है, उस दौर में नहीं थी। तो जैसे ये काफिला जा रहा था तो ये जो सिंधी लुटेरे थे यहाँ पे, बहरी कजाक जो थे, उन्होंने क्या क्या लूट लिया काफिले को, माल उन्होंने सारा जब्त कर लिया, लौंडियों को भी ले गए। अब उन लौंडियों में से एक लौंडी का नाम याद रखेंगे, नाहिद, नाहिद। ये पेपर में पूछा गया इसलिए आपको लिखवा रहा। उन लौंडियों में एक लौंडी का नाम था नाहिद, एक औरत का नाम था, एक गुलाम थी ऐसे कहने, नाहिद। तो वो खत लिखती है कहीं हिजाज, इसके बाद हिजाज बिन यूसुफ के पास कि जी हम इस तरह से आ रहे थे और हमें लूट लिया गया है, तो मेहरबानी करके हमें बचाए, हमें इनसे बचाए, इन्हें जो भी तावान छावान दे के जैसे भी आपने करना है, हमें यहां से आजाद करना है। अब नाहिद का खत पहुंचा हिजाज बिन यूसुफ के पास, हिजाज बिन यूसुफ पहले किस बहाने की तलाश में था कि कोई बहाना मिले और मैं सिंध पे हमला करूं। तो हिजाज बिन यूसुफ ने पहले तो राबता किया राजा दायर से, जिस तरह से हमारे जो कुछ लौंडियां और तोहफे ताइफ काफिला जा रहा था, लूट लिया तुमने, ये वापस करवाओ। राजा दायर ने कहा, भाई जो कजाक है, मेरा तो उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना मेरा उनके ऊपर कंट्रोल है, मैंने ना लूटे हैं ना मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक है। तो हिजाज बिन यूसुफ ने कहा, अच्छा फिर ठीक है, तैयार हो जाओ। फिर अब क्या करेंगे जी, हिजाज बिन यूसुफ अपने भतीजे, अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को एक आर्मी दे के भेजेंगे हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए। कितनी आर्मी थी, तकरीबन 5,000 की आर्मी थी। रास्ते में से फिर लोग और मिलते गए, इस तरह से तकरीबन कोई 12,000 के करीब आर्मी हो गई। जब वो यहाँ सिंध में इंटर होगा, हमला करेगा राजा दहर पे। यहां तक मुझे बता दे, आपको क्लियर हो गया, आप लोगों ने लिख लिया यहां तक। अब जरा देखेंगे इनकी जंगे किस तरह से हुई और किस तरह से जाज में इसे राजा दहर को पकड़ के कत्ल किया जाएगा, और उसके बाद के वाकयात वो सारे डिस्कस करते हैं। मुझे यहां तक बता दें, आपको क्लियर हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? जी बेटा, यहां तक हो गया? जी बेटा बता दें जरा मुझे। चलें बेटा आगे चलते हैं, इसे मैं रेज करता हूं। अब जरा हम देखते हैं इनकी जंग। नाहिद के खत की बात हो गई, उस बच्चे नाराज हो रहे थे, सर जी नाहिद की स्टोरी तो आपने बताई रही। चलें जी, अब जो है ना जी, मोहम्मद बिन कासिम साहब कहां से इंटर होंगे? सिंध से। सिंध से इंटर होंगे दीबल से, लिखे जरा दीबल के मकाम से। दीबल के मकाम से इंटर होंगे ये सिंध में, सिंध से। इसीलिए सिंध को क्या कहा जाता है? बाबुल इस्लाम कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? बाब अल इस्लाम।
क्यों? क्योंकि इस्लाम इंटर कहाँ से हो रहा है? सिंध से। तो बाप कहते हैं दरवाजा, इस्लाम का दरवाजा। तो बाबुल इस्लाम किसे कहेंगे? दिबल को कहेंगे, सिंध को कहेंगे। पूछता है सवाल पेपर में बाबुल सिंध, तो यहां से इंटर हुए और दिबल के मकाम पे, यहीं पे अरोड से वो अपनी आर्मी लेके आया, और यहां से मोहम्मद बिन कासिम साहब गए और दिबल के मकाम पे दोनों की जंग हुई। मोहम्मद बिन कासिम की और राजा दहर की, राजा दहर जंग हार गया, मोहम्मद बिन कासिम साहब जंग जीत गए। इस तरह से राजा दहर यहां से वापस भागा अपने कैपिटल की तरफ जान बचा के। मोहम्मद बिन कासिम उसके पीछे पीछे गया और अरोड़ में जाके उसे पकड़ लिया और यहीं पे जाकर उसे कत्ल कर दिया। अरोड़ में जाके राजा दहर को पकड़ लिया गया, उसे कत्ल कर दिया गया। अब कत्ल हो गया, लौंडियां जो पकड़ी गई थी आजाद हो गई होंगी, कत्ल हो गया ना, जब हुकूमत ही खत्म हो गई, बंदे ही सारे मारे गए। तो अब यहां से मोहम्मद बिन कासिम को वापस चला जाना चाहिए था, अगर वो नाहिद के लिए आया था, अगर वो नाहिद के लिए आया था तो वो तो उनका मकसद पूरा हो गया, अब उसे यहीं से वापस चला जाना चाहिए था, लेकिन वो वापस से नहीं गया। इसका मतलब वो स्टोरी हमने जबरदस्ती घुसाई है बाद में। तो खैर, हमने तो कमीशन के एग्जाम के हवाले से चीजें देखनी है। अब मोहम्मद बिन कासिम साहब जो है ना आगे चलेंगे, मोहम्मद बिन कासिम साहब यहाँ से आगे चलेंगे किधर? मुल्तान की तरफ। यहाँ से आगे मुल्तान की तरफ चलेंगे, मुल्तान पे हमला करेंगे। आगे मुल्तान की तरफ चले, मुल्तान क्यों? मैंने आपको बताया क्या प्लान क्या था। प्लान ये था कि हिंदुस्तान पूरे को फतह करके चाइना पे हमला करना था। ऊपर ये चाइना है, यहाँ चाइना है। हिंदुस्तान को फतह करके टारगेट ये था, उसने चाइना को फतह करना है। मोहम्मद बिन कासिम ने वलीद की तरफ से ये ऑर्डर था, वो तो अपना जा रहा है आगे की तरफ। अब मुल्तान में जब वो पहुंचे मोहम्मद बिन कासिम साहब, मुल्तान में एक जगह कासिम बेला, जो मुल्तान के आसपास के रहने वाले लोग हैं उन्हें पता होगा कासिम बेला के बारे में। ये आपको बताया कि कैंट के साथ आगे लगाएगा कासिम बेला, कासिम का टीला, बेला टीला, कासिम का टीला मतलब ऊंची जगह थी। तो मोहम्मद बिन कासिम साहब की जब आर्मी आई तो उधर ही उसने पड़ाव किया दरिया चनाब के साथ, आगे दरिया चनाब है तो वहां पे पड़ाव किया, वहां पे उन्होंने बासरा किया रखा मुल्तान का। मुल्तानियों ने बड़ा रेजिस्ट किया था, कहा जाता है रेजिस्ट इस तरह से किया था। सर मैंने उस वक्त पकड़ते थे किले, बड़े बड़े किले, दीवारें होती बड़ी बड़ी, आप अंदर पूरा एक शहर आबाद हुआ करता था। आज भी अगर आप लाहौर का या मुल्तान के किले को देखें, तो अंदर की आबादी को देखें तो बाहर चारों तरफ दीवार है, अंदर पूरे का पूरा शहर आबाद है। एक एक दो दो साल का अंदर अनाज पूरे का पूरी हर चीज मौजूद होती थी। मतलब अगर कोई बाहर से हमलावर आ गया तो गेट बंद कर दिया और सकूर से गेट बंद करके अंदर बैठ गए। अंदर सारी जिंदगी वैसे चल रही है जैसे होती है नॉर्मल, सिर्फ आप गेट से बाहर नहीं जा सकते। अब बाहर वालों ने तो गर्मी ही बर्दाश्त करनी है, सर्दी भी बर्दाश्त करनी है, अंदर वाले तो सुकून से अपने घरों में है, और घर भी उस किले के अंदर बनाए जाते थे, ये तरीकाकार था। तो मोहम्मद बिन कासिम साहब ने मासरा किया मुल्तान का। कोई दिन गुजर गए, मुल्तानियों ने कहा बैठे रहो, हम सुकून से अंदर बैठे हैं। तो फिर कहा यह जाता है मोहम्मद बिन कासिम साहब को किसी ने मशवरा दिया कि जी ये जो पानी की सप्लाई है ना इनकी किले में जो जा रही है नहर पानी की, इसे बंद करें फिर हथियार डालेंगे, वरना तो हम बाहर तो गर्मी में मर जाएंगे, सर्दी में मर जाएंगे, मौसम की सारी तब्दीलियां, खुराक हमारे पास इतनी नहीं है, हम कैसे खाएंगे यहाँ बैठ के, ये तो अंदर सुकून से बैठे हैं। तो कहा यह जाता है कि पानी की सप्लाई जब बंद की गई तो उसके बाद मुल्तानियों ने हथियार डाल दिए थे। इस तरह से मुल्तान फतह हो गया, इस तरह से मुल्तान और आसपास के इलाके सारे फतह हो गए। और जब मुल्तान फतह हो गया, पीछे 715 का साल था, वलीद भी मर गया, वलीद भी मर गया। वलीद की जगह पे कौन आ गया? उसका भाई सुलेमान आ गया, उसका भाई सुलेमान आ गया। और सुलेमान ने क्या किया? इसे वापस बुला लिया, सुलेमान ने वापस बुला लिया इसे, और ये वापस चला जाएगा और फिर इसे कैद कर दिया जाएगा, और ये कैद में ही मरता है, ये कैद में ही मरता है, और ये भी शाम में ही दफन है, ये भी शाम में दफन है। ठीक हो गया जी। तो ये थी स्टोरी मोहम्मद बिन कासिम साहब की, किस तरह से आए, कहाँ से आए, कौन को, ये सारे वो जो क्वेश्चन थे वो मैंने इधर लिखे हैं, जो जो सवाल बन सकते थे वो सारे मैंने यहाँ लिखे। इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम साहब वापस चले गए, ये इलाका सारा मुल्तान के आसपास का इलाका सारा फतह हो गया था। और उसके बाद फिर एक लंबे अरसे तक यहाँ कोई नहीं आएगा, एक लंबे अरसे तक यहाँ कोई नहीं आएगा। उसके बाद फिर गजनवी डायनेस्टी शुरू होगी। दो मिनट की हम ब्रेक कर लेते हैं, मैं भी पानी पी लेता हूँ, और उसके बाद फिर हम आगे शुरू करते हैं। दो मिनट की ब्रेक है बेटा बस।
चले बेटा, नया जो हमारा टॉपिक है वो है जी गजनवी डायनेस्टी। गजनवीद डायनेस्टी ये हमलावरों का दौर है, ये सारे हमलावरों के दौर हैं। ये जो बंदर कासिम साहब जो थे ये अरब थे, इन्हें अरब हमलावर कहेंगे। अरब हमलावर थे ये, यहां से सारा ये आए थे। ठीक हो गया जी। अच्छा, सिंध की तारीख के ऊपर किताब का भी पूछ लेता, सबसे पुरानी किताब जो थी वो चचनामा है, लिखने जरा चचनामा, चचनामा, चच चचनामा जो है ये सिंध की तारीख पे सबसे पुरानी लिखी गई किताब है। और ये पूछता ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज में थी, ये अरेबिक में थी बेटा, ये अरेबिक में थी, बाद में इसे पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया, बाद में इसे पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। ओरिजिनली ये अरबी में लिखी गई थी। चचनामा सिंध की तारीख पे लिखी गई सबसे पुरानी किताब है। ये क्वेश्चन भी आपने ऐड कर लेना है। तो गजनवी डायनेस्टी हम देख रहे हैं बेटा, गजनवी डायनेस्टी जो है हमारे पास ये कब से कब तक रहेगी। तो ये आप लिखेंगे आप 977 से लेके 1186 AD तक, ये टेन्योर है गजनवियों का, ये टेन्योर है गजनवियों का। गजनवी डायनेस्टी 977 में शुरू होगी और 1186 तक रहेगी। अब ये हिंदुस्तान पे हमले करेंगे, अब गजनवी हिंदुस्तान पे हमला करेंगे। तो ये कहाँ से आए थे, ये जरा मैप में देखें, ये हमने मैप में बहुत दफा बनाया अफगानिस्तान, ये काबुल है, ये कौन सा शहर है बेटा हमारे पास, काबुल है, ये हमारे पास गजनी है, ये हमारे पास नीचे की तरफ कंधार है, गजनी, गजनी से गजनी अंपायर। यहां पे बेटा हमारे पास आपको बता सेंट्रल एशिया, कौन सा इलाका है हमारे पास, सेंट्रल एशिया, वस्ती एशिया, जो हमने अभी पढ़ा किसने फतह किया था, कुतैबा बिन मुस्लिम को फातेह वस्ती एशिया कहते हैं। सारे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे यहीं पे मौजूद है। ठीक हो गया जी। तो जो गजनवी डायनेस्टी है ना जी, इसकी जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें। यहां पे सेंट्रल एशिया में उस वक्त इस दौर में यहां पे ना इस सारे एरिए में खुरासान की हुकूमत मौजूद थी, खुरासान की, जिस दौर में हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। खुरासान की रियासत हुआ करती थी। तो एक बंदा था जिसका नाम था अल पख्तगीन, लिखे जरा अल पख्तगीन, अल पख्तगीन इस बंदे का नाम था। और इसने खरा ये जर्नैल था बेसिकली खरासान की रियासत में। तो खरा सुन ले, सिर्फ सुन ले, थोड़ा सा स्टोरी सुन ले बस, जो सवाल याद करने वाला होगा वो मैं तो लिखता जाता हूँ साथ साथ। तो अल पख्तगीन साहब जो थे ये खरासान की रियासत से अलग होके इसने यहाँ किर्गिस्तान में इसने अपनी हुकूमत शुरू की, किर्गिस्तान में इसने अपनी एक छोटी सी हुकूमत बनाई। किसने, अल पख्तगीन ने। अल पख्तगीन का नाम याद रखना है बस, अल पख्तगीन का सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखना है आपने, बाकी कुछ भी नहीं याद रखना। इसने कहां पे, यहां पे सेंट्रल एशिया में, हाँ जी किर्गिस्तान में, किर्गिस्तान में इसने क्या किया जी, अपनी हुकूमत शुरू की, छोटी सी हुकूमत बनाई आगे चल। अच्छा, इसका कोई बेटा नहीं था, इसका कोई बेटा था ना, इसकी बेटी थी। तो ये उस दौर में गुलाम बेचे जाते, खरीद किए जाते थे। तो ये एक गुलाम खरीद करके लाता है बाजार से, और उसका नाम होता है सबुक्तगीन। सबुक्तगीन बेसिकली था गुलाम, किसका, अल पख्तगीन का। ये मार्केट से खरीद के लाया है गुलाम, इसकी परवरिश की अपने बेटों की तरह। जब ये जवान हो गया इसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दी, इसे अपना दामाद बना लिया, शादी करके इसे अपना दामाद बना दिया। इसमें सारे वो गुण मौजूद थे, सारी वो एबिलिटीज मौजूद थी सबुक्तगीन में, जो कि एक राजा के पास, जो एक बादशाह के पास होती है। तो ये दामाद भी बन गया अलपख्तगीन का। तो अलपख्तगीन के मरने के बाद अगला हुक्मरान कौन बना किर्गिस्तान का, सबुक्तगीन बनेगा। अगली हुकूमत तो कौन कौन बनेगा, सबुक्तगीन हुकूमत बनाएगा, किर्गिस्तान की हुकूमत का वाली बनेगा।
अब सबकतगीन जो है ना, इसके बारे में आपने स्टोरी पढ़ी होगी कि जी वो एक नरम मिजाज इंसान था। एक दफा वो जाता है हिरन का शिकार करने के लिए, तो हरन तो उसे नहीं मिलती, उसे हरन के दो बच्चे मिल जाते हैं। वो उन्हें बांध के वापस आ रहा होता है अपने घर को, चलो आज बच्चे ही पका के खाऊंगा। रास्ते में वो देखता है कि हरन के जो बच्चे थे उनकी माँ पीछे पीछे आ रही होती है। वो देखता है, बड़ा तरस खाता है, आता है उसे कि देखिए एक माँ ने बच्चों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो बड़ा उसे तरस आया, उसने उन बच्चों को छोड़ दिया। वो अपनी माँ के साथ जंगल में चले गए। रात को जब सबकतगीन साहब आए घर, रुखी सुखी खा के सो गए। और रात को कहा जाता है इन्हें ख्वाब आया सबकतगीन साहब को, क्या है सबकतगीन, जो आपने आज एक बेजबान पे रहम खाया है, अल्लाह ताला को आपका ये एक्ट, आपका ये काम पसंद आया, इसके बदले में अल्लाह पाक आपको नवाजेंगे। ये इस तरह की स्टोरी एक आपने सुनी होगी। तो कहा यह जाता है कि सबकतगीन उसी साल या उससे अगले साल सबकतगीन के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी बाद में इनके नाम के साथ लगता है, वैसे इसका पहला नाम था महमूद। ये 711 में पैदा हुआ था, 711 971 में, 977 में ये पैदा हुआ था, और 1030 तक ये जिंदा रहेगा। इसका टेन्योर लिख लें, महमूद गजनवी का टेन्योर लिख लें जरा। ये 971 में ये पैदा हुआ और 1030 में ये मरेगा, महमूद गजनवी साहब। तो ये किसके बेटे थे? ये सबकतगीन के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? ये सबकतगीन के बेटे हैं जी। ये किसके बेटे हैं बेटा, लिखिए जरा। सब इनके बारे में सिर्फ नाम लिखने हैं बस, इसके अलावा और कुछ आपने इसके साथ साल या डेट वगैरह कुछ भी नहीं लिखने हैं, इनके सिर्फ नाम लिखने हैं बस। क्या अलपख्तगीन, फिर सबकतगीन, फिर महमूद गजनवी। 971 की बात है। कब की बात है ये? 971 की बात। असल में 700 अभी पढ़ाया ना सारा, बार बार 700 आ रहा है ध्यान में। तो 971 में ये पैदा हुए, ठीक हो गया जी। किसके बेटी है? ये सबकतगीन की बेटी। इस तरह से जो है ना जी, अब सबकतगीन साहब जो थे ये अपनी हुकूमत बढ़ाते हैं यहाँ से, किर्गिस्तान से, ये जो अफगानिस्तान का इलाका है ये भी सारा कब्जा कर देती है। और सबकतगीन साहब 977 में, 977 में क्या करती है? यहाँ पे बहुत बड़ी हुकूमत की बुनियाद रखी है, जिस देखते हैं इसका नाम क्या रखा जाएगा? गजनवी डायनेस्टी रखा जाए। तो याद रखिएगा, सबकतगीन ने क्या की, यहाँ पे बहुत बड़ी रियासत की बुनियाद रखी, ये सारे इलाके कब्जा करके अपनी रियासत में शामिल किए, और रियासत का नाम क्या दिया? गजनवीद डायनेस्टी। गजनवी से गजनवीद डायनेस्टी, याद रखिएगा। 970 से लेके 1186 तक ये डायनेस्टी चलेगी, जबकि महमूद गजनवी का पैदा हो रहा है 971 में, याद रखिएगा। इनकी डेट में नहीं भूल जाइएगा, ठीक हो गया जी। महमूद गजनवी साहब अब यहाँ पैदा हो गए, मामलात आगे चल रहे हैं। आगे चल के देखते, सबकतगीन मर जाएगा। सबकतगीन मरेगा 997 में, 977। सबकतगीन का मरा 977 में। उसके बाद हुकूमत किसे मिली? महमूद गजनवी को। महमूद गजनवी को हुकूमत मिली, वैसे इसका भाई था उस वक्त इस्माइल गजनवी, उसे मिली थी। इसने अपने भाई को मार के उससे हुकूमत छीनी थी महमूद गजनवी ने। अगले साल 998 में, 997 में जब इस वक्त गिर मरा, तो इसका भाई था इस्माइल गजनवी, उसी हुकूमत मिली। तो उससे फिर बाद में महमूद गजनवी ने अगले साल 998 में हुकूमत छीन ली थी। वो गैर जरूरी है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ये वाला साल याद रखने की जरूरत है, ना अगले साल वाला। हमने साल वो वाले याद करने हैं जब ये हिंदुस्तान पे हमले करेगा, हिंदुस्तान पे जब ये अटैक करेगा, वो वाले साल हमने याद रखने हैं। तो जो गैर जरूरी चीजें हैं उन्हें आप छोड़ सकते हैं, इसे मैं रेज करता हूँ। अब महमूद गजनवी साहब यहाँ हुकूमत बना के बैठ गए सारे एरिया में, इसे मैं रेज करता हूँ। अब जरा देखते हैं उस वक्त हिंदुस्तान में क्या हो रहा था, इसे मैं रेज करता हूँ। अब हम देखते हैं जरा हिंदुस्तान में क्या हो रहा था। अजी महमूद गजनवी की हमने स्टोरी डिस्कस कर रही हूँ, कि हम हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम वो वाले इवेंट देखेंगे जो पाकिस्तान के एरिया में हुए ज्यादातर, बैकग्राउंड हम थोड़ा सा जरूर देख रहे हैं। तो महमूद गजनवी क्या ढंग दे, महमूद गजनवी साहब जी। अच्छा,
ये यहाँ पे बैठे हुए महमूद गजनवी साहब, हिंदुस्तान में उस वक्त लाहौर में जो बंदा बैठा हुआ था, लाहौर में राजा जयपाल था, लिखना राजा जयपाल, इधर ही लिख देता हूं, राजा जयपाल, हिंदू राजा था राजा जयपाल, लिखे राजा जयपाल लाहौर में, और ये पिशावर है। ये क्या जी हमारे पास पिशावर है, ये हमारे पास पिशावर है, ये लाहौर है। तो राजा जयपाल की हुकूमत थी लाहौर से लेके पिशावर तक, लाहौर से लेके पिशावर तक की जो गवर्नमेंट थी वो किसके पास थी, राजा जयपाल था वहां का राजा, हिंदू राजा था। ठीक हो गया जी, अब यहां कौन है जी, महमूद गजनवी है। अब राजा जयपाल क्या करता, हरकतें क्या करता था, यहां से दरा खैबर, हमने लास्ट जो डेमो लेक्चर हुआ था उसमें आपको याद होगा दरा खैबर बनाया था हमने, यहाँ पे दरा खैबर, खैबर पास बनाया था, यहीं पे मौजूद नहीं है तो बना ले, अब नहीं पढ़ा तो बना ले, खैबर पास यहीं पे पिशावर के साथ, पिशावर और काबुल को मिला था खैबर पास। तो यहां से राजा जयपाल क्रॉस करता है और यहां पे है जलालाबाद का इलाका, जलालाबाद अफगानिस्तान का इलाका है जलालाबाद का, तो जलालाबाद पे हमला कर देता है। कौन राजा जयपाल, कब की बात है ये बात है 986 की, मतलब अभी सबकतगीन जिंदा था, सबकतगीन के दौर की बात है, महमूद गजनवी अभी बच्चा था, ये उस दौर की बात है। तब इसने क्या किया था, हमला कर दिया था। इस तरह से ये हरकतें करता रहता राजा जयपाल। सवाल पूछा जाए राजा जयपाल ने पहला हमला कब किया अफगानिस्तान में, जलालाबाद में, तो 986 में किया था। ठीक हो गया, अब सबकतगीन ज्यादा इनसे टेंशन, मतलब इनके साथ ज्यादा जंग नहीं करता था, वो अपने मामलात में मसरूफ रहा, उसने हिंदुस्तान में हमला नहीं किया, इसे नहीं छोड़ा सबकतगीन ने। लेकिन अब आ गया महमूद गजनवी, जिसने अपने भाई से हुकूमत छीन ली, तो उसने रैंप करना था दूसरे पे, उसने कहा अच्छा अब मैं जरा रास्ता सिखाता हूँ, जरा राजा जयपाल को कहा तेरी मैं तबीयत साफ करता हूँ, मेरे बाप को भी तूने तंग किया बहुत ज्यादा, अब जो है ना मुझे भी तंग कर रहा है। तो अब महमूद गजनवी क्या करेगा, दरा खैबर वही जो वो क्रॉस करके आता, अब ये यहाँ से क्रॉस करेगा और पिशावर पे हमला कर देगा। अब महमूद गजनवी यहाँ से दरा खैबर क्रॉस करके पिशावर पे हमला कर देगा। कब की बात है ये बात है जी 1000 की, 1000 का साल याद रखिएगा, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो 1000 एक भी ठीक है, दोनों के रेफरेंस मिलते हैं बेटा, दोनों के रेफरेंस मिलते हैं, आपने दोनों अपने माइंड में रखने, 1001 और 1000 दोनों अगर ऑप्शन में हो तो फिर आपने 1001 को ठीक करना, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो 1001 को ठीक कर, वैसे होंगे नहीं दोनों ऑप्शन में, दोनों में से एक होता है अभी तक जो मैंने देखा है। तो क्या करेगा जी, पहली दफा ये क्या करेगा जी, पिशावर पे हमला कर देगा। कहां पे हमला किया इसने, पिशावर पे हमला कर देगा, कौन महमूद गजनवी। तो ये हिंदुस्तान पे पहला अटैक था, हिंदुस्तान पे महमूद गजनवी ने पहला अटैक कब किया, या तो 1000 का साल बताएगा या आपको 1001 का कहेगा, दोनों में से एक होगा इंशाल्लाह पेपर में। ठीक हो गया जी, पिशावर पे हमला किया, मुकाबले में कौन आएगा, राजा जयपाल अपनी आर्मी लेके आएगा, राजा जयपाल यहाँ से अपनी आर्मी लेके पहुंचा पिशावर में, बड़ी सारी फौज लेके आया, पिशावर में मैं महमूद गजनवी को सबक सिखाऊंगा, राजा जयपाल साहब यहाँ से एक बड़ी आर्मी लेके आए महमूद गजनवी साहब के लिए, पिशावर में जंग होगी, इसे कहेंगे बैटल ऑफ पिशावर, बैटल ऑफ पिशावर कहेंगे इसे, आप लिखना चाहते हो लिख लें बैटल ऑफ पिशावर, बैटल ऑफ पिशावर, पिशावर में जंग हुई बेटा ये। और ये जो जंग थी ना जी, ये राजा जयपाल हार गया, महमूद गजनवी ये जंग जीत गया था, पता वजह क्या है, देखें हिंदुस्तान की अब तारीख देखें उठा के, यहाँ पे हमेशा हर चीज की फरामानी थी, यहाँ गंदम होती है, यहाँ मतलब है कि हर चीज मौजूद है, जब आपके पास हर चीज मौजूद होगी तो आप क्या हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, आप क्यों लड़ेंगे, आप क्यों मेहनती होंगे, मुश्किल तो नहीं होंगे ना आप। तो हिंदुस्तानियों ने कभी किसी मुल्क पे हमला नहीं किया, ये तारीख है हिंदुस्तानियों की, क्यों, क्योंकि इनके पास सब कुछ था, कोई किसी मुल्क पे क्यों हमला करता है, जब आपके पास कुछ नहीं होगा दूसरों को लूटने के लिए आप जाएंगे ना, जबकि ये जो इलाका है सारा पहाड़ी इलाका है, ना यहाँ गंदम होती है, ना कुछ और है, यहाँ पे मसनूआत अभी तो चले निकल आई है ना, मतलब है कि आप देखेंगे यहाँ से गैस और बाकी चीजें, लेकिन उस वक्त तो कुछ भी नहीं था ना। तो ये जो लोग थे अफगानिस्तान के सेंट्रल एशिया के, ये पहाड़ों के रहने वाले थे, सख्त थे जरा, हमेशा मतलब है कि लुटेरे टाइप की इनकी तबीयत थी, लूट मार करके गुजारा करते थे, ऐसे इनका काम चलता था सारा। तो ये लड़ाकू थे, हथियार भी थे इनके पास, तो ये जब आए इधर हमला करने के लिए तो ये आराम से फतह करते चले गए सारे इलाके को, क्योंकि उनके मुकाबले में मुकाबला करने के लोगों के पास ना वो वाले हथियार है ना उस तरह से वो लड़ सकते हैं।
इस तरह से राजा जयपाल के पास हालांकि बहुत बुरी आर्मी थी, महमूद गजनवी के पास छोटी आर्मी थी, उसके बावजूद भी महमूद गजनवी जीत गया और राजा जयपाल जंग हार गया। राजा जयपाल जंग हार गया बल्कि हारा नहीं, राजा जयपाल को कैदी बना लिया गया, ये बंदी बन गया, इसे कैदी बना लिया गया। बाद में इसका बेटा था आनंदपाल, उसने बहुत बड़ी रकम अदा की अपने बाप को छुड़ाने के लिए, एक बहुत बड़ी रकम दी महमूद गजनवी को, तब राजा जयपाल को छोड़ा इसने। और फिर राजा जयपाल लाहौर में आया और इसने आके एक बड़ा सारा दरख्त था बड़ का या जो भी था, उसके नीचे क्या कर ली, खुद को लकड़ी लगा के, बड़ी सारी लकड़ी बना के ऊपर खुद को इसने आग लगवा ली, शर्म की वजह से कि मैं इतने बड़ा बादशाह और मैं जो है जंग हार गया हूँ और कैदी हो गया हूँ। तो इसने खुद को आग लगा ली थी और अपने बेटे को हुकूमत दे दी थी। इसका बेटा था आनंदपाल, लिखना चाहे तो लिख ले आनंदपाल, आनंदपाल इधर लिखता हूं आनंदपाल, आनंदपाल। राजा जयपाल के बाद इसका बेटा आनंदपाल हुकूमत में आया था, ठीक है, इसे हुकूमत दे गए राजा जयपाल ने, अपने आप को आग लगा ली। अब महमूद गजनवी साहब जब हिंदुस्तान इंटर हो गए, पहला हमला कर दिया पेशावर से, तो उसे बहुत माल मिला, लूट के ले गया यहां से, फिर उल्टा तावान की मद में, राजा जयपाल की तावान जो था उसकी मद में बहुत सारा पैसा मिला। अब उसके मुंह को पैसा लग गया, उसने देखा इधर तो सोने की चिड़िया है, इधर तो माल है। फिर दो तीन सालों के बाद जब उसके पास पैसे खत्म होते, फिर हमला कर देता किसी न किसी शहर पे, फिर जब पैसे खत्म हो गए फिर किसी शहर पे हमला कर देगा। इस तरह से महमूद गजनवी 17 हमले करेगा हिंदुस्तान पे। पहला हमला मैंने आपको बता दिया, उसके बाद बहुत सारे हमले होंगे, हमने दो तीन जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है बस वो याद रखने, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है हमने वो याद रखने, इसे मैं रेज करता हूँ। आगे चल के कुछ और इलाके हम देखते हैं, इसे मैं रेज करता हूँ। अब जी जो नेक्स्ट है ना, मुल्तान को इसने का फतह किया, लिख ले मुल्तान को, गजनवी ने मुल्तान का फतह किया। मुल्तान को इसने फतह किया जी 1006 में इसने मुल्तान फतह किया। मुल्तान में उस वक्त कौन बैठा हुआ था, अबू अल फतेह, अबू अल फतेह मुसलमान था ये। अगर आप देखेंगे महमूद गजनवी साहब अगर इस्लाम फैलाने आ रहे हैं, ये तो मुसलमान था मुल्तान का जो था गवर्नर, उसे क्यों फिर मारा इसने, मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस्लाम मकसद नहीं है, मकसद कुछ और है। तो मुल्तान का फतह हुआ 1006 में, इसने फतह किया अबुल फतेह को, अबुल फतेह था उस वक्त मुल्तान का गवर्नर, उससे इसने हुकूमत छीन ली। उसके बाद अगला हमला देखेंगे हम लाहौर पे, इसने कब हमला किया 1021 में इसने लाहौर पे हमला किया, लाहौर कब फतह किया इसने 1021 में इसने लाहौर फतह किया। और लाहौर का जो पहला मुसलमान गवर्नर है, ये सवाल बनता है, इससे पहले मुसलमान हिंदुओं के पास है, तो मुसलमानों की तरफ से पहला जो गवर्नर था लाहौर का मुसलमान, उसका नाम था अय्यास। आपने वो शेर सुना हुआ इकबाल का, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्यास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अब पता नहीं इकबाल साहब का है कि नहीं, ये खुद देख लीजिएगा, लेकिन ये शेर अय्यास के बारे में ना, तो अय्याज जो था इसका गुलाम था महमूद गजनवी का, जब इसने फतह कर लिया तो अपने गुलाम को इसने क्या कर दिया, लाहौर का गवर्नर लगा दिया। तो याद रखिएगा लाहौर का पहला मुसलमान गवर्नर, पूछता पेपर में कौन था जी, अय्याज था। मुसलमान गवर्नर लाहौर का जो पहला था वो कौन था जी, अय्याज था। 1021 में मोहम्मद बिन कासिम साहब ने फतह किया इसे। उसके बाद कुछ और इलाके, बिंडा का इलाका और बाकी इलाके फतह करता रहा, वो गैर जरूरी है। अगला जो हमला करेगा ना ये गुजरात में, वो जरा हमने डिस्कस करना है, इसे मैं रेज कर देता हूँ, वो जरा हम देखते हैं। अब ये जो है ना जी, इस तरह से जब इसे पैसे खत्म होते, ये आता हमले करता और लूट मार करके ले जाता, कुछ अरसे तक इसका काम चलता फिर आ जाता। तो इस तरह से यहाँ से ये मामला चलाता रहा। तो महमूद गजनवी साहब को बताया गया कि आप तो ऐसे ही टाइम जाया कर रहे हैं, चिंदी चोरी कर रहे हैं, असल माल तो इधर गुजरात में है, आप गुजरात जाए, गुजरात पे हमला करें। क्या था गुजरात में, गुजरात में सोमनाथ का मंदिर था। क्या था जी, सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, ये शिवाजी साहब का मंदिर था जी, लिखना चाहे तो लिख लें। ये जो हिंदुओं का सबसे बड़ा भगवान है ना जी, सबसे बड़ा है या नहीं है बार क्या, उस वक्त के दौर में ये सबसे बड़ा मंदिर था हिंदुस्तान में ना, शिवाजी साहब का
तो गुजरात में था ये सोमनाथ का मंदिर, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ना जी, हमला करने के लिए महमूद गजनवी साहब को कहा जाएगा। तो महमूद गजनवी साहब 1026 का साल लिखेंगे आप, 1026 में ये क्या करेंगे जी, 17वां अटैक था ये, 17th अटैक था ये, लिखे जरा कौन सा अटैक है ये, 17वां अटैक किसने कब किया और कहाँ किया, 1026 में किया और कहाँ किया, सोमनाथ के मंदिर को तोड़ेगा ये गुजरात में जाके। इसमें क्या गुजरात में है, सोमनाथ का मंदिर किधर है जी, गुजरात में यहाँ पे है। 17वां हमला था ये, याद रखिएगा। तो इस तरह से अच्छा कुछ बुक्स में या कुछ गूगल जब करेंगे वो 1024 भी कहता है इसे, जो कि गलत है, 1024 ठीक नहीं है। 1024 में तो मोहम्मद बिन कासिम, ये मोहम्मद बिन कासिम कह रहा हूँ, महमूद गजनवी या ईरान में था, निशापुर में था, हिंदुस्तान में ये था ही नहीं 1024 में। तो इसलिए वो रेफरेंस गलत है, बहुत सारी बुक्स में भी और बहुत सारे साइट्स पे आपको 1024 का मिलेगा ऑप्शन, जो कि ठीक नहीं है। पीपीएससी भी इसी को ठीक करता है, कमीशन भी इसी को ठीक करता है, और ये अथेंटिक है, 1026 ही आपने याद रखना है। अच्छा, अटैक किया इसने गुजरात में सोमनाथ के मंदिर पे तोड़ने के लिए, जब ये गया तो इसे हिंदुओं की तरफ से बड़ी ऑफर हुई कि जी हम आपको जितना सोना कहते हैं, जितना पैसा कहते हैं, हम आपको देते हैं, लेकिन हमारा ये मंदिर ना तोड़े, इसे ना गिराए, हम आपको जो कहते हैं हम आपको देते हैं। महमूद गजनवी साहब जो थे, उन्होंने कहा कि जी मैं बुत फिरोश नहीं हूं, मैं बुत बेचता नहीं हूं, आपसे पैसे लेके बुत को छोड़ दो, इसका मतलब बुत को मैं बेच रहा हूं, बुत फिरोश मैं नहीं बनना चाहता तारीख में, मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं बुत शिकन बनना चाहता हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, बुत शिकन बनना पसंद करूंगा, बुत फिरोश बनना पसंद नहीं करता। ये मतलब बहुत बड़ा फैसला था इसका, महमूद गजनवी का। तो खैर जी, तो ये जो बुत था ना, ये शिवाजी साहब का, कहा जाता है ये हवा में मुअल्लक था उस दौर में, ऐसे हवा में कोई चीज खड़ी हो तो बाबा जी आपको बताया जी, फिर मौजजे ही मौजजे आपको बताया जी, चमत्कार हो जाते हैं। आज के दौर में भी कोई चीज ऐसे हवा में खड़ी हो तो लोग सिजदे में गिर जाएंगे कि जी ये तो जी बाबा जी का कोई करिश्मा है, आपको बताया बड़े बाबा जी फिर रहे हैं। उस दौर में देखे, उस दौर में लोगों के पास नॉलेज कुछ नहीं था, उस दौर में जो है ना आप देखे, हवा में किसी चीज को मुअल्लक कर देना या होना, ये उस वक्त का सबसे बड़ा मौजजा था। तो जब कहा जाता है, मैं इन्होंने देखा गजनवी साहब ने जी हवा में खड़ा, तो कहा जाता है इनका फतवा, ये भी डर गए थोड़ा सा, ये क्या है, कहीं अल्लाह ताला का कोई मौजजा तो नहीं है। फिर इन्हें बताया गया कि कोई मौजजा शौजा नहीं है, ये जो सामने वाली दीवार है ना, इसे आप गिरा दें तो ये खुद ब खुद गिर जाएगा। सामने वाली जब दीवार को गिराया गया मंजनिकों से, मोहम्मद इसने महमूद गजनवी ने, तो जैसे वो दीवार गिरी तो वो जो बुत था जो हवा में मुअल्लक था, वो भी नीचे गिर गया, धड़ाम से नीचे गिरा। उसमें से जो सोना निकला, जो जवाहरात निकले, वो इतने ज्यादा थे जितने हिंदुस्तान के पूरे हिंदुओं से अफर कर रहे थे ना, उससे भी कहीं ज्यादा वो माल था। महमूद गजनवी ने सारा माल लपेटा और वापस किधर, गजनवी की तरफ, हिंदुस्तान में जाके, हिंदुस्तान से सारा माल लेके निकल जाते थे, अफगानिस्तान जाते, गजनवी में जाके लगाते थे सारे पैसे को। और उसी में से निकला क्या, कोहिनूर का हीरा। उसी में से बेटा क्या निकलेगा, कोहिनूर का हीरा भी किस में से निकला, शिवाजी साहब का जो बुत था उसी में से निकला पहली दफा। और ये हीरा भी कौन ले गया अपने साथ, महमूद गजनवी ले गया। आगे चल के पढ़ेंगे हम इस हीरे का क्या बना, हीरा आजकल किधर है, आजकल जो बादशाह हैं बरतानिया के, मलका बरतानिया तो फौत हो गई है ना, पहले उसके जो ताज था उसके उसमें था, आजकल जो बादशाह सलामत है उनके, उसका जो ताज है उसके अंदर वो हीरा मौजूद है आज। बरतानिया वाले फिर आ गए थे ना इधर, वो ले गए थे। तो कोहनूर का हीरा निकला, माल निकला, वो लेके सीधे वापस चले गए गजनवी में, और 1030 में ये फौत हो गए। महमूद गजनवी साहब का मरे 1030 में, मर गए। इनकी डेट ऑफ डेथ याद रखनी है, ये सारे इवेंट थे महमूद गजनवी के हवाले से। अब महमूद गजनवी के दौर में दो चार इवेंट और हैं, वो जरा हमने देख लिया, वो और देख लें। इसके बाद इसका बेटा मसूद शाह गजनवी हुकूमत में आएगा, इसके बाद इसका बेटा मसूद शाह गजनवी आएगा हुकूमत में, आगे चल के देखते हैं। तो महमूद गजनवी के टाइटल पूछता है, इसके दो टाइटल है बेटा, ये मैं रेज करता हूँ, मैं लिखवाता हूँ आपको। महमूद गजनवी के दो अलकाबात हैं, उनके बारे में पूछता है सवाल पेपर में। एक तो इसका टाइटल है यमन दौला, लिखा यमन और दौला, ये अब्बासियों ने दिया था इसे। अच्छा, ये सारे जो थे अब्बासियों को जवाब देते, अब्बासियों को जवाब दिया करते थे ये ना, मतलब उनके साथ इनके एफिलिएशन थे। यमन और दौला इसका टाइटल था। दूसरा था इसका किडनैपर,
किडनैपर ऑफ द स्कॉलर्स, स्कॉलर्स का किडनैपर, स्कॉलर्स का अगवाकार इसे कहा करते थे। इसके बारे में आता है महमूद गजनवी के बारे में, ये कोई भी दुनिया में कहीं पढ़ा लिखा बंदा, कोई साइंसदान टाइप इंसान मिलता, ये उसे भारी भरकम ऑफर करता और उसे अपने दरबार में बुला लेता। अगर वो आने से इनकार करता तो क्या करता, उठवा लेता था उसे, किडनैप कर लिया करता था। इसीलिए मशहूर हो गया किडनैपर ऑफ द स्कॉलर्स, स्कॉलर्स का किडनैपर। तो इसी का टाइटल था यमन उद्दौला भी इसी को कहेंगे। अच्छा, अब किडनैपर था तो स्कॉलर की बात हुई, तो कुछ स्कॉलर भी इसके दौर में मशहूर जो हुए जिन्हें दुनिया जानती है उनका भी जिक्र कर लेते हैं, इसे मैं रेज करता हूं। उनमें सबसे बड़ा नाम है हमारे पास अबू रिहान मोहम्मद अल बैरूनी, अबू अब्दुल्ला, इस तरह से जो है ना जी, अबू रिहान मोहम्मद अल बैरूनी, अल बैरूनी साहब जो थे, इनके बारे में आता है किसके दौर में हिंदुस्तान आए। तो गजनवी सल्तनत थी उनके साथ, गजनवी महमूद गजनवी के साथ हिंदुस्तान आए थे। ये साल कौन सा था जी, 1017 का साल था, 1017 में यही हमले कर रहा था ना हिंदुस्तान में, तो उन्हीं के साथ ये आए 1017 में हिंदुस्तान तशरीफ लाए। कौन, अल बैरूनी साहब, अल बैरूनी साहब 1017 में हिंदुस्तान तशरीफ लाए। अच्छा, ये पिंड दादन खान, पिंड दादिन खान में जगह है कि नंदना, 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 नंदना का इलाका है जी पिंड दादन खान में। पिंड दादन खान किधर है, जेलम में है ये, ये जेलम डिस्ट्रिक्ट जो हमारा जेलम जिला है ना जी, उसमें जगह है पिंड दादन खान, और नंदना उस गांव का नाम था। ये जो अल बरूनी साहब थे ना, ये जमीन का सेंटर ढूंढ रहे थे, ये तलाश में थे जमीन के सेंटर की। तो इन्होंने क्या किया जी, नंदना में जेलम में क्या किया जी, अपनी एक लाइब्रेरी बनाई इसने, यहाँ पे अपनी एक लेबॉरेटरी बनाई जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया करता था। यहीं पे इसने जमीन का रेडियस मालूम किया, कितना मालूम किया, ये भी सवाल बनता है कि अल बरूनी ने जमीन का रेडियस कितना निकाला, 6638 किलोमीटर इसने जमीन का रेडियस निकाला था अल बरूनी ने। रेडियस ऑफ अर्थ लिखे जरा, रेडियस ऑफ जो अर्थ इसने निकाला था अल बरूनी ने, वो कितना निकाला था, 6638। अंदाजा लगाए उस दौर में जब कोई उसके पास आलात नहीं थे, बैठ के ऐसे लाइन निशाने खींची वो निकाल के रख दिया, कितना, 6638। आज इतने एक्यूरेट हमारे पास आपको बताए कि इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास, तो अब कितना है ये भी पूछता, अब कितना है जमीन का रेडियस, अब बेटा रेडियस है हमारे पास 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर है एवरेज इस वक्त जो हमारा रेडियस है जमीन का, एवरेज जो है 6371 किलोमीटर, उसने कितना निकाला, 6638 किलोमीटर। कितना फर्क है, कितना फर्क है, कितना बंदा है, 33 किलोमीटर का अंदाजा लगाए। इतने हजार साल पहले जो उसने निकाला, सिर्फ कितना फर्क पड़ा आज तक, 33 किलोमीटर। कितना जहीन आदमी था ये, इसने हिंदुस्तान की तारीख में किताब भी लिखी थी, किताब का नाम पूछता, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद लिखी थी इसने हिंदुस्तान की तारीख पे, एक किताब लिखी इसने किताब उल हिंद, याद रखिएगा। आप ये भी कह सकते कि हिंदुस्तान में जो दो कौमी नजरिया था, सबसे पहले उसके ऊपर बात इसने की थी अल बैरूनी ने, इसने कहा था कि यहाँ पे दो कौमी आबाद है, मुसलमान भी हैं हिंदू भी हैं, मुसलमान इस तरह से रहते हैं, हिंदू इस तरह से रहते हैं, ठीक हो जी। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद जो थी इसने किताब लिखी, महमूद गजनवी के दौर में ये आया, जमीन का रेडियस निकाला इसने, लेबॉरेटरी बनाई पिंड दादन खान में, झेलम में। ये इसके बारे में दो तीन सवाल बन सकते हैं, याद रहेगा मोहम्मद अल बैरूनी साहब के बारे में याद रहेगा। उसके अलावा आप देखें कि एक और पर्सनालिटी का हम जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे, और उनका नाम क्या है जी हमारे पास, उनका नाम है जी, आपको बताया कि शाहनामा इस्लाम एक है, एक शाहनामा है, जो शाहनामा है ऐसे मैं चले रेज कर देता हूँ, एक हमारे पास शाहनामा है और एक शाहनामा इस्लाम है, दो सवाल बनते हैं। एक है जी हमारे पास शाहनामा, शाहनामा फिरदौसी ने लिखा था, तो फिरदौसी भी उमर इसके गजनवी के दौर में था, मोहम्मद महमूद गजनवी के टेन्योर में था फिरदौसी भी,
दो हमने पर्सनैलिटी को देखा, एक अलबेरूनी को और दूसरा फिरदौसी को। फिरदौसी ने क्या लिखा, शाहनामा लिखा था, जबकि शाहनामा इस्लाम हफीज जलंधरी ने लिखा था। दोनों में फर्क यहीं से क्लियर करते हैं, वो तो अब की बात है ना, हिंदुस्तान बनने से पहले की बात है, पाकिस्तान बनने से पहले की। तो शाहनामा इस्लाम हफीज जलंधरी ने लिखा, शाहनामा किसने लिखा, फिरदौसी ने लिखा। फिरदौसी किसके कोर्ट में था, किसके दरबार में हुआ करता था, महमूद गजनवी के दरबार में था। ठीक हो गया, जिसे मैं रेज करता हूं, महमूद गजनवी के मरने के बाद इसका बेटा सुल्तान मसूद गजनवी हुकूमत में आएगा, सुल्तान मसूद गजनवी। कौन आया जी हुकूमत में, सुल्तान मसूद गजनवी। ये आया 1030 में और 1040 तक ये रहेगा, 1030 से 1040। इंतहाई निकम्मा निकट्ठू, जितना बाप कॉम्पिटेंट था बेटा उतना ही नालायक था। कोई कारनामा नहीं है याद रखने वाला, सिर्फ इसके दौर में एक इवेंट होगा वो आपने याद रखना है। वो ये था कि हिंदुस्तान में पहले सूफी बुजुर्ग आए, वो इसके दौर में आए थे, उनका नाम क्या है जी, हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी। ये जी पहले सूफी बुजुर्ग थे जो हिंदुस्तान से, ये सवाल बनता है पेपर में कि सबसे पहले हिंदुस्तान में कौन से सूफी बुजुर्ग आए थे, इससे पहले सूफीज्म नहीं थी हिंदुस्तान में, ये पहला बंदा था। तो ये हिंदुस्तान में तशरीफ लाए 1035 में। 1035 में कौन था हुकूमत में, मसूद गजनवी था, मसूद गजनवी था ना। ये अजमेर से आए थे, अजमेर अफगानिस्तान का इलाका था, अजमेर अजमेर से थे, इसलिए अजमेरी कहलाते हैं। तो 1035 जब सवाल पूछा किसके दौर में आया, तो गजनवी डायनेस्टी कर पूछा जाए, गजनवी डायनेस्टी चल रही। अगर हुक्मरान का पूछा जाए तो सुल्तान मसूद गजनवी था। 1035 में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और लाहौर में आके आबाद हुए, लाहौर में आके आबाद हुए। इनके बारे में एक दो सवाल और बन सकते हैं, तो इनका नाम पूछा जाता है, असल नाम क्या था जी इनका, इनका असल नाम था अली बिन उस्मान, इधर लिखता हूं, अली बिन उस्मान इनका असल नाम था जी। दादा साहब का असल नाम पूछा जाए आपसे तो याद रखिएगा, अली बिन उस्मान साहब जो था ना, इसका असल नाम था, ओरिजिनल नाम था इनका, और ये मसूद गजनवी के दौर में है। इनकी किताब के बारे में सवाल बनता है, जो मशहूर किताब है कशफ अल माजूब, कशफ अल माजूब, बड़ी जबरदस्त बुक है बेटा, ये फारसी में लिखी गई थी लेकिन अभी ये उर्दू में मौजूद ही है, कोई बच्चा कोई अगर पढ़ना चाहे तो ये बुक लेके पढ़ सकता है, कशफ अल माजूब, सूफीज्म के ऊपर बड़ी जबरदस्त बुक है। कशफ अल माजूब के बारे में सवाल आएगा, किसकी किताब है जी, दाता साहब की किताब है, अली बिन उस्मान इनका असल नाम था। इनका सिलसिला नसब हजरत अली के जरिए नबी पाक तक जा मिलता है, हजरत अली तक मिलता है, मतलब आप कह लें कि इनका सिलसिला नसब हजरत अली तक जा मिलता है, उनकी लड़ी में से थे ये। ठीक हो गया जी, और फिर हजरत अली का आपको पता नबी पाक के साथ, उनकी बेगम फातिमा के जरिए, तो इस तरह से अपने चाचा भी वैसे भी वो थे, कजन भी थे उस तरह से। तो इस तरह से दाता साहब के बारे में ये दो तीन सवाल बनेंगे, बस यही बेटा याद रखिएगा। ठीक हो गया जी, ऐसे इनकी डेट ऑफ बर्थ भी याद रखना चाहे तो रख ले, ये पैदा हुए थे 1009 में, 1009 में ये पैदा हुए और 1072 में ये फौत हुए। डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ भी याद रखना चाहे तो रख ले, आपकी मर्जी है, छोड़ दें तो कोई ऐसा सच, मतलब एक दफा मेरे ख्याल से पूछा गया है, डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है शायद इसकी ना, कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन ये जरूर करेंगे कब आए किसके दौर में, ये जो दो तीन सवाल लिखवाए मैंने आपको पहले। ठीक हो गया जी, इस तरह से ये सूफी बुजुर्ग थे जो इसके दौर में आए, इसका और कोई कारनामा नहीं है। और महमूद गजनवी डायनेस्टी का आखिरी हुक्मरान देख लेते हैं हम, उसके बाद क्लास एंड करेंगे, इसे मैं रेज करता हूँ। गजनवी डायनेस्टी का जो आखिरी हुक्मरान था वो खुसरू मलिक था, खुसरू लिखा था, खुसरू मलिक, खुसरू मलिक जो था बेटा ये आखिरी हुक्मरान था गजनवी डायनेस्टी का, ये 1060 से लेके 1160 से 1186 तक रहेगा, निकम्मा निकट्ठू कोई कारनामा नहीं है, बस ये आखिरी था ये याद रखिएगा। इनसे पर हुकूमत छीनेंगे गौरी, गौरियों को हम कल पढ़ेंगे, इनसे हुकूमत कौन छीनेंगे, गौरी छीनेंगे, गौरी डायनेस्टी शुरू हो जाएगी। गजनवी से हुकूमत कौन छीनेंगे, गौरी, गौर का इलाका है अफगानिस्तान में, गौर से उठे थे वो, गौर से उठेगी और इनसे हुकूमत छीन लेंगे,
और फिर गौरी डायनेस्टी शुरू हो जाएगी, फिर वहीं से आगे सलीम डायनेस्टी और वो जो दिल्ली सल्तनत है वो शुरू हो जाएगी। तो ये बेटा आज के दो छोटी छोटी डायनेस्टी हमने देखी, ये इन्वेडर्स हैं, हमलावरों का दौर है। अभी हिंदुस्तान में कोई बाकायदा हुकूमत नहीं बनाई इन्होंने, लूटते हैं वापस चले जाते हैं अपने घरों, वहीं जाके पैसा, जो अरब थे वो भी वापस चले गए थे, ये आया गजनवी ये भी लूट के गजनी में जाके लगाता था पैसा सारा। तो इस तरह से जो है ना इनके मामला चले। उम्मीद करता हूँ आपको समझा पाया होगा, मैं भी थक गया हूँ, आप भी थक गए होंगे। जो बच्चे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जिन्होंने सवाल पूछने हैं वो बैठे रहे, जिन्होंने क्वेश्चन पूछने हैं वो बैठे रहे बेटा, बाकी लोग जा सकते हैं।